और जोर दे रहे थे ये कुछ लोग उसको ऐसे नहीं चल भी इतना डेटाबेस बनाना होता आपकी मदद कोई नहीं करता जोर ले कॉल करके वो कह रहे हैं सर डेटाबेस भाई यहाँ लगा ले असल में फिर इनको तेज आवाज जाती है और वहां तक आवाज कम जाती है ठीक है इस पे चल फिर मैं आपको कुछ कहने में गुमराह गए थे डेटा क्लियर करवा लेते हैं जी जनाब अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन ऑनलाइन के यूजर्स को आवाज स्क्रीन कैमरा तीनों चीजें क्लियर है जी कहते कहते कैमरा कट गया कोई है अभी हमारे इधर में दिक्कतें स्लो लोग यस ये सही चल रहा है और सही आ रहा है डन कल हम लोगों ने बहुत ज्यादा पढ़ा था पार्टनरशिप प्रॉपर्टी के ऊपर बात की थी जिसको घर जाके आपने देखा तो आपको पूरे 6 मिनट लग गए तो बकाया 50 मिनट तक आप पास पेपर को दोबारा से देखते रहे समझते रहे गौर करते रहे तो पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी में 3-4 तरह की चीजें आती हैं नंबर वन वो जो खुद लेके आए नंबर टू जो शुरू में आई हुई प्रॉपर्टी से प्रॉपर्टी जनरेट हुई वो जो पार्टनरशिप के अपने एसेट से एसेट जनरेट हुए नंबर थ्री इनके अपने प्रॉफिट से जनरेट होने वाली चीजें नंबर फोर अगर कोई गुडविल है तो वो ये सब की सब पार्टनरशिप प्रॉपर्टी में काउंट होती है अगर एग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा हुआ तो कंफ्यूजन होगी एग्रीमेंट में आप लिख के मना कर सकते हैं कि पार्टनर पर्सनली यूज नहीं करेंगे क्योंकि वही पार्टनर है वही फर्म है और उसी के एसेट है और वही लोग यूज कर रहे होते हैं तो ऐसे में दिस इज गुड टू डिफाइन कि क्या वो पर्सनल यूज करेंगे या नहीं करेंगे अगर आपने मना कर दिया तो फिर वो मना होंगे अगर आपने मना नहीं किया तो कॉमनली लोगों को पता होता है कि पार्टनरशिप के एसेट पार्टनरशिप वाले इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो बड़ी अच्छी बात है कि आप अपने एग्रीमेंट में लिख दें कि आप लोग इस्तेमाल नहीं किया करेंगे मुझे बताइए पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी में कोई सवाल पहले फिजिकल वालों के सवाल फिर ऑनलाइन वालों के सवाल फिजिकल हाजरीन पार्टनरशिप प्रॉपर्टी कोई लाइन कोई बात नहीं समझ आ रही इंटरेस्ट समझ आया इंटरेस्ट का मतलब उसमें कोई हिस्सा जी क्यों अब कोई फायदा नहीं अब मैंने अपना लगा लिया बस अब जो है ना मैं नाराज हो गया हूँ कॉलेज का नेट चेंज कर दिया नहीं तो ये कनेक्ट थोड़ी देर के लिए हुआ या पक्का हुआ है बस वो मेरा भी आते ही कनेक्ट हुआ था फिर डिस्कनेक्ट हो गया था तो अब मैं अपने मोबाइल पे जा चुका हूँ अब मैं तब तक भरोसा नहीं करूंगा नेट पे जब तक हमारे सारे मसले सही नहीं हो जाते फिर डिस्कनेक्ट हो गया लें जी हाँ मोबाइल पे कॉल आ सकती है खतरनाक काम है एक भाई ने मुझे कहा कि सर डू नॉट डिस्टर्ब अगर आप लगाएं और बगैर किसी छेड़छाड़ के लगाएं कोई और ऑप्शन ना चेंज करें तो चांसेस हैं कि आपको कॉल भी नहीं आएगी असम ये वाला ऑप्शन हमने कभी ट्राई नहीं किया ट्राई तो वो करें ना जो अपनी कॉलों से बचना चाहें हमारी कॉल तो पहले ही आगे बेचारी साइलेंट पे कहीं दब जाती है तो मतलब हमारे लिए तो मोबाइल एक सिर्फ टाइम दिखाने वाली मशीन है ठीक है जी उस कॉल का इंतजार क्यों करें जो कभी आने नहीं अच्छा जी आप लोगों ने गुडविल प्रॉपर्टी ये सारी चीजें पढ़ी मुझे बताइए कोई सवाल फिजिकल हाजरीन जी ये प्रॉपर्टी क्यों डिफाइन कर रहा है क्योंकि आगे जाके ये कंफ्यूजन आनी है कि एक पार्टनर ने पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी यूज कर ली तो ऐसे में हम पलट के कहेंगे क्या मतलब पार्टनरशिप की कौन सी प्रॉपर्टी होती है भाई पार्टनरशिप कोई कंपनी तो है नहीं कंपनी होती है ना एक अलग पर्सन होती है उसका अपना नाम होता है उसके अपने नाम पे चीजें रजिस्टर होती है उसका अपना एक स्टेटस होता है और वो एक अलग पर्सन काउंट होता है लॉ की जबान में मतलब कंपनी अलग से टैक्स देती है कंपनी का अलग से सारा रूल्स होते हैं कंपनी एक नाम से चल रही होती है पार्टनरशिप इज कलेक्टिवली इन चारों को जोड़ के हमने कह दिया पार्टनरशिप है तो दिस इज इंपॉर्टेंट टू डिफाइन कि वो कौन से एसेट हैं जो कंप्लीट पार्टनरशिप के हैं और वो कौन से एसेट हैं जो इन लोगों के जाती इंडिविजुअल एसेट्स हैं तो इन लोगों के जाती घरेलू लाइफ में जो इनके एसेट हैं वो उनके एसेट हैं और जो कंबाइंड प्रॉपर्टी से लिए गए हैं कंबाइंड पैसों से लिए गए हैं और फर्म के लिए लिए गए हैं वो फर्म की प्रॉपर्टी है जी इनके जो एसेट्स हैं वो सब पार्टनर्स के नाम होने चाहिए किसी भी
जी अब पार्टनरशिप अपने एसेट्स किसके नाम पे रखती है? कई दफा जॉइंट नेम पे रखती है सारे पार्टनर्स के, और कभी कभी किसी एक आध पार्टनर के नाम पे रख लेते हैं, दोनों तरफ अलाउड। पार्टनरशिप डीड में भी लिखेंगे ना? जी, पर पार्टनरशिप डीड में आप बताएंगे कि क्या मामला है, किस तरह से। थर्ड पर्सन के नाम नॉर्मली नहीं करवाते जी। जब पार्टनरशिप खत्म होती है तो प्रॉपर्टी का क्या होता है? प्रॉपर्टी पर डिवाइड है। उसी रेशियो में जो रेशियो इन्होंने अपने एग्रीमेंट में लिखी थी एसेट्स की, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो है, और एक ये है कि असासों की क्या शेयरिंग होगी। सेम भी हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती है। मैं कभी भी जबानी कलामी बात की, हर हर चीज इतना कम आपस में नाराज का रूल भी यही है कि खासतौर पे पैसों का लेन देन उसको बगैर लिखा पढ़ के नहीं करना चाहिए। जी, ऑल क्लियर। कल वाले टेस्ट में एक क्वेश्चन था, वो पूछना है। एक मिनट, मेरा एक सवाल है इंतजामिया से, इनको वॉइस रिकॉर्डिंग पहुंची थी, आज पहुंच जाएगी? ठीक है जी, तो फिर आज असल में इनको मैंने शाम तक का टाइम दिया था, शाम 5 बजे तक का, या जब तक नीचे सुबह भी टेस्ट दे रहे थे बच्चे। लेकिन आगे हमें एक रूल डिफाइन करना है कि भाई एक दिन का मतलब, वरना तो फिर वो टेस्ट की डिस्कशन बहुत ही आगे चली जाएगी। ट्यूसडे को शाम तक टेस्ट देने की ऑप्शन है, और शाम क्लोजिंग के वक्त जो है वो हम वीडियो, वो जो ऑडियो डिस्कशन है वो शेयर कर दें। तो अभी थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। यही तो मजे की बात है। तो आपने तो फिर फड़का फड़कू दिया होगा। कभी कभी दिखने में ऐसा लगता है, कभी कभी। जी, आवाज चली गई, बिल्कुल ही चली गई, ऐसे ना करें जी। आवाज के बारे में जरा फीडबैक दीजिएगा ऑनलाइन वाले हजरात। लैग हुई थी, अब सही है? ठीक है, ठीक सही। तो इसमें फिर अब ये है कि टेस्ट का ऑनवर्ड फिर हम ये करते हैं कि एक दिन से ज्यादा ना हो। और मेरी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि पिछले दिन शाम में हो गया होगा, लेकिन इंतजामिया ने बताया है कि आवाम बहुत जज्बाती थी और वो आज की सुबह तक भी टेस्ट दे रहे थे। तो अल्लाह लोगों के जज्बात सही टाइम पे जगाए और उसके मुताबिक चले। फिर भी टोटल मिला के आज कल परसों, मतलब मंडे ट्यूसडे वेनेसडे, तीनों दिन में मिला के हमारे पास 40 टेस्ट आ चुके हैं। ठीक है जी, अवाम का जोशो खरोश जो है वो दीदनी है। ठीक हो गया। एक खास टाइम तक ही बंदा कह सकता है, बस अब कहना छोड़ देंगे, अब और क्या हो सकता है। और जो पोस्ट रिजल्ट में आए हैं, क्या उन्होंने तो नहीं छोड़ दिए? मेरे तो ख्याल में पोस्ट रिजल्ट में से ज्यादा बच्चे आए होंगे। जी जी, वो थे ही पोस्ट के। मुझे लग रहा है ये 40 में से ना 38 पोस्ट के हैं। मुझे लग रहा है ये प्री वाले तो तय कर चुके हैं। आप ये देखें कि प्री के बच्चे 1.5 महीना 1.5-2 महीने गुजरने के बाद कुछ बच्चों को एहसास हुआ है कि उन्होंने कॉस्ट अकाउंटिंग गलत उठा ली थी, उन्हें बिजनेस लौटाना चाहिए था। इतनी दुनिया ऐसी जिनको 1.5-2 महीने बाद अपनी गलती का एहसास हुआ, और आज से 1.5-2 महीने बाद फिर से अगर एहसास हो गया कि ये भी गलत फैसला था, फिर क्या होगा? तो शुरू में सब्जेक्ट उठाते हुए एक दफा अच्छी तरह से रिसर्च किया करें, उसके बाद फिर पक्के होके चल पड़ा करें। होता यह है कि आप पक्के होके चल पड़ते हैं, एवं ही किसी दिन मूड बनता है फेसबुक पे ओपिनियन लेने पहुंच जाते हैं। फेसबुक के फिलोसफर भी आपको पता, फिर ऐसे चीते हैं। फिर रिजल्ट आता है तो रिजल्ट आने से डर जाते हैं, किसी और के रिजल्ट से खुद डर जाते हैं। तो इसलिए ना, एक शुरू में हिम्मत वाला फैसला किया है, उस पर डटे रहें। जब आपको बैकअप मिलता है ना, ये ग्रुप ए भी क्यों किया है कि अपने लोग खेलते रहते थे, 3 पेपर उठा के पढ़ रहे हैं, फिर वो हुआ नहीं यार ये तो जरा भारी था, एक काम करते चलो आगे से बीएम का पेपर एक मजे का लग रहा होता था वो उठा लेते थे आखिरी महीने में। फिर वो 3 पेपर दिए, फिर अगले 3 पेपर उठा लेते थे, रिजल्ट आता था पिछला रह गया होता था, वो कहते चलो कोई बात नहीं वो तो हो जाएगा, ये 3 करते हैं। वो 3 का पेपर देते थे, अगली दफा उससे अगले 3 उठा लेते थे, फिर रिजल्ट आता पता लगता था पिछले 6 में कोई भी पास नहीं है। फिर सोचते थे एक दफा 9 पढ़ लेता हूँ, फिर सोचता रहूंगा कि कौन कौन से जो है ना वो पेपर देने हैं। तो पहले लोग खेलना शुरू हो गए थे। तो अभी आईकैप ने आपको महदूद कर दिया कि ग्रुप ए से पहले ग्रुप बी तक नहीं जा सकते जो नए बच्चे आ रहे हैं।
अब बच्चों को ये नजर आया कि एफ आर वन तो करना ही करना है, टैक्स भी मजे का पेपर है करना है, तो अब उनके पास खेलने की ऑप्शन है कॉस्ट और बीलो में। मुसलसल खेल जा रही है, लोग बीलो पढ़ते पढ़ते कॉस्ट पे जा रहे हैं, कॉस्ट पढ़ते पढ़ते बीलो पे जा रहे हैं, और वहां जाके और यहाँ आके दोनों जगह बच्चों को एहसास हो रहा है कि मसला सब्जेक्ट का नहीं था, मसला उस बच्चे का था जो कि मूड में नहीं था पढ़ने के। अगर आप इतना परेशान हो गए ना, तो सच्ची बात माने दो पेपर दे दें। अगर इस लेवल पे कंफ्यूज हो गए कि मैं नहीं पढ़ पा रहा या इस तरह से, रादर देन कि आप अपना एफ आर वन भी खराब करें, क्योंकि आपका एफ आर वन सिंगल पेपर नहीं है, वो डेढ़ पेपर है तकरीबन, तो अगर उसके साथ अगर आप दो पेपर के साथ भी चलते हैं तो ऐसा कोई बहुत अंडर परफॉर्म नहीं होगा। लेकिन आप जिद करें कि तीन या चार देने और तीन लाजमी देने और तीसरा जो है वो बाकी जाए, तो ये थोड़ा सा एक इसको रीकंसिडर, अगर सोच रहे हैं तो चेंज करने के बजाय ड्रॉप करने के बारे में सोचना ज्यादा बेहतर है। मतलब एक सब्जेक्ट जो छह महीने में होता है और आपने उनमें से एक दो महीने के करीब पढ़ा और आपको लगता है कि नहीं मेरे से अप्रोच नहीं हुआ, तो जो दूसरा है वो कैसे आप रिमेनिंग टाइम में अभी से ही माइंड बनाएंगे जबकि क्लासें भी काफी आगे जा चुकी हुई हैं। तब तो पोस्ट रिजल्ट शुरू हुए भी मेरे ख्याल में कोई दो हफ्ते तो हो गए। हाँ तीसरा हफ्ता तकरीबन दरमियान में पहुंच गया, तो डेढ़ हफ्ता हो चुका, पोस्ट एक वीक लेट नहीं स्टार्ट हुआ था, रिजल्ट एक वीक जल्दी आया था। पोस्ट इन्होंने बहुत पहले से जो डेट्स प्लान की हुई थी वही थी, और दूसरा मैं भी उसी हिसाब से प्लान बना के क्लास को उस प्लान पे लेके चल रहा था कि पोस्ट तक हमारा कट ऑफ लग जाए और हम एक नए सिलेबस जोन में दाखिल हो जाए। खैर मैं कोशिश कर रहा हूँ, टाइम नहीं गुजर रहा, मुझे पढ़ाना पड़ेगा, अब पढ़ना पड़ेगा। सर कायदे आदम ने फरमाया, एक मिनट में पहले पढ़ लू, उसने को बोंगी ना मारी हो। फैसला करने से पहले 100 दफा सोचो, फिर जब फैसला कर लो तो उस पर डट जाओ कि 100 लोग भी खिलाफ हो तो तुम अकेले डटे हुए इंसान हो। ठीक है जी, टाइम तक सही थी, मुनासिब थी। तो कायदे आदम ने कहा कि फैसला करने से पहले 100 दफा सोचो, और फिर जब फैसला कर लो तो फिर 100 लोग भी कहें उस फैसले से नहीं हिलना। तो ये जो शुरू में 100 दफा सोचने वाला काम है ना, ये नहीं होता। शुरू में 100 लोग होते हैं जो तुम कंफ्यूज कर रहे होते हैं, और जब उस कंफ्यूजन में एक फैसला लिया जाता है तो उसके दो महीने बाद 100 दफा सोचता है बंदा। तो कायदे आजम ने जो तरतीब बताई है अगर उसे फॉलो किया जाए तो बड़ी अच्छी बात है कि फैसला लेने से पहले 100 दफा सोच लो, बट जब ले लो तो उसके बाद 100 बंदे भी तुम्हें मना करें तो मत उस फैसले को बदलना। तो ये अच्छी बात की भाईजान, आपने एक बड़ा अच्छा एक यहाँ पे वो किया। ठीक है जी, एक सवाल आया है कि क्या बिजनेस की गुडविल पार्टनर्स में डिवाइड होती है। देखिए बिजनेस की गुडविल बिजनेस की है, जब एक पार्टनर छोड़ के जा रहा होता है ना तो उस वक्त जब हिस्सा डिवाइड हो रहा होता है तो वो ये कहता है कि देखो इस गुडविल में मेरा भी एक चौथाई हिस्सा है, मेरी वजह से भी जनरेट हुई है। तो नॉर्मली वो जाते जाते एसेट्स ही नहीं गुडविल में भी अपना हिस्सा डिमांड कर रहा होता है। तो गुडविल रहती तो फर्म के पास ही है, तो जो छोड़ के जाने वाला है उस गुडविल की एक मॉनेटरी वैल्यू, एक रुपए पैसे वाली वर्थ का अंदाजा लगा के और अपने पास शिफ्ट करवा लेता है। जी कैमरा लैग कर रहा है, नेट चल पड़ा है, देख लें जिम्मेदारी पे। ठीक है जी, एक भाई की जिम्मेदारी पे हम दोबारा कॉलेज के नेट की तरफ जाते हैं। इसका मतलब मसला टाइम का है, शायद दोपहर 12 से 2 के दरमियान नेट क्लियर है। दो जवाब है, एक ने कहा भाई आवाज, एक ने कहा आवाज डाउन, एक ने कहा क्लियर। ठीक है जी, अब आवाज दोबारा से क्लियर हो चुकी है। असल में उतने रिसोर्सेज जो है ना, हम इन चीजों को छेड़ भी नहीं सकते, हम मेहमान हैं।
जी वो ये तो एक अहम सवाल है सर, ये पोस्ट वालों को बीच में क्यों बिठाया गया, क्यों आते हैं आप लोग फ्री के बच्चों के दरमियान, क्यों इनके अंदर जोश जगाने की कोशिश करते हैं, क्यों इनको मोटिवेट करते हैं कि इन्हें पढ़ना होगा। अच्छे भले ठंडे जा रहे थे, वो 40 में से जो दो टेस्ट प्री वालों ने दिए थे, आप क्यों उनको जलील करना चाहते हैं। अच्छे भले खाली प्री के थोड़े से टेस्ट होते थे तो जी, ये भाई असल में थोड़े से परेशान हो गए पोस्ट के सवालों की वजह से, पोस्ट वाले बच्चों के सवालों की वजह से। ठीक है, मजे की बात है कि एक एक चीज मैं बताता हूँ। भाई ने कहा कि पोस्ट वाले तो क्योंकि पहले पढ़ा हुआ होता है, वो थोड़ा आगे की सोच के आगे सवाल पूछ रहे होते हैं। भाई जान, इस क्लास के शुरू में जो फिलोसफर यहाँ थे ना, आपको याद होगा जब हमारी क्लास शुरू हुई थी तो 45-45 मिनट सवाल जवाब चलते थे, और अब आजकल सवाल जवाब पे ऑन एवरेज 15 से 20 मिनट ज्यादा से ज्यादा लग रहे हैं। ठीक है, देखिए चलें, वो सही है। वो FR1 की क्लास में अगर कोई परेशानी है तो आप FR1 की टीचर से डिस्कस करें ना, मैं FR1 का टीचर तो नहीं हूँ। हाँ, इस क्लास में मैं वही कह रहा हूँ ना कि मेरी क्लास में तो मैंने एक कट ऑफ ही ऐसा लगाया कि टॉपिक ही नए शुरू हुए हुए हो, असूलन इनको ऑफेंड होना चाहिए जब मैं इनके सामने एकदम से कहता हूँ याद है हमने इस तरह की एक बात पढ़ी थी। ये सोचते हैं कि नहीं चलो कोई बात नहीं है, ये लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, हम आगे जाके वो वाली बात पढ़ लेंगे, तो असूलन तो इनकी तरफ से शिकायत आनी चाहिए थी। तो ऐसे में जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो मैं सबको जीरो पे काउंट करता हूँ। कुछ लोग प्री वाले टाइम पे भी ऐसे होते थे जो अजीब अजीब से सवाल लेके आते थे, और कई दफा मैंने अभी पिछली लाइन में सवाल का जवाब दिया होता था, सवाल दोबारा से आ जाता था, लेकिन मैं कोशिश करता था कि खंदा पेशानी से उसको आंसर करूं। हाँ, दो दफा तीसरी दफा आंसर करते हुए मैं भी थोड़ा सा जरा उलझ के कहता था, भाईजन खुदा का खौफ करें, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, हमने 3 दफा ये वाली बात कर ली है। तो इस तरह के लोग हर कौम, हर नस्ल और हर प्री और हर पोस्ट में पाए जाते हैं। तो चंद लोगों की वजह से आप परेशान होकर ये मत सोचें कि आपकी अंडरस्टैंडिंग आउट हो रही है। मैं जिस वक्त तक सारे सवाल आंसर नहीं होते मैं आगे नहीं जाता। ऐसे ही है, फिजिकल के खत्म होने के बाद ऑनलाइन के सवाल लेता हूँ, कई दफा ऑनलाइन के बाद भी फिजिकल वाले सवाल शुरू कर देते हैं, मैं इनकार नहीं करता। वजह यही है कि अच्छी तरह से तसल्ली से समझ आए तो बात आगे चले। और मजे की बात है, अगर आपको लग रहा है कि पोस्ट वालों को पहले से पता होता है तो ऐसा नहीं है, यकीन मान ऐसा नहीं है। मैं अगर इस वक्त आपसे वेजरिंग के रूल्स पूछना शुरू कर दूं तो आप कहेंगे वेजरिंग के रूल्स, ऐसा नहीं होता कि बंदे को हर वक्त हर चीज मेमोरी में रहे, और ये लॉ है, ये तो 2 दिन बाद भूल जाता है। तो जिन्होंने 6 महीने पहले पढ़ा हुआ है वो अभी आप लोगों के थोड़ा करीब है। हाँ, सिर्फ ये है कि वो आपसे ज्यादा अलर्ट है, आपसे ज्यादा सहमे हुए हैं, या आपसे ज्यादा समझते हैं कि पढ़ाई सीरियस चीज है, आपसे ज्यादा टेस्ट की इंपॉर्टेंस को समझते हैं, जो आप लोगों को नहीं समझ आ रही। तो इन लोगों के आने से कम से कम क्लास को थोड़ा सा एक सीरियसनेस का अंदाजा होगा कि नहीं भाई, मतलब बड़ा जरूरी चीज है। यही आप लोगों में जब घुले मिलेंगे तो आपको कहेंगे सर सही कह रहे हैं, हमें अब एहसास हुआ, ऐसा ना हो कि तुम लोगों को भी बाद में एहसास हो। ठीक, उसके अलावा पोस्ट में कुछ वो कंफ्यूज बच्चे भी आए हैं जो अभी तक कॉस्ट पढ़ रहे थे, और अचानक से उन्होंने ये फैसला किया कि कॉस्ट शायद मुश्किल पेपर है, बिलो उठा लेते हैं। फिर उन्होंने पूछा तो कॉलेज वालों ने कहा जी आप साहब कह रहे हैं कि जी वो पहले खत्म कराएंगे फिर आगे से जो शुरू वाली चीजें कवर कराएंगे और पोस्ट, तो वो भी कुछ बच्चे बीच में आ गए। गई आवाज? बिल्कुल गई। क्या है ये? है आवाज? है भाईजान, आपकी तरफ आवाज गई, इधर सब सब कह रहे हैं क्लियर है। नहीं जी, हमारे अपने ही क्लास में मौजूद एक भाई का नेट जो है ना सही नहीं चल रहा था। तो अगेन मैं एक बात बताऊं, अगर ये चीज खतरनाक होती तो हम कभी भी उन्हें अलाउ ना करते। चलें ये भी बता देता हूं, वेरी फर्स्ट टाइम इन लाइफ मैंने प्री की क्लास में पोस्ट रिजल्ट के बच्चों का एडमिशन इन अलाउ किया, वेरी फर्स्ट टाइम इन लाइफ। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट बहुत ही छोटा हो गया, इजी हो गया है, और इस लेवल पे हो गया है कि हम बिल्कुल इसको 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, एक हिस्सा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और एक हिस्सा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अलावा सारे लॉज।
तो जब मुझे समझ आया कि ये बिल्कुल इस तरह से डिवाइड हो सकता है, तो देन मैंने उन्हें कहा कि हाँ ठीक है, अब हम ये वाला काम कर सकते हैं कि इसको 200 में डिवाइड कर दें। खास तौर पे वो बच्चे जो कि कंफ्यूज हो रहे थे, इवन कॉस्ट वाले बच्चे जो कॉस्ट पढ़ते पढ़ते कंफ्यूज हो रहे थे और वो बिजनेस लॉ की तरफ सोच रहे थे और चलती हुई क्लास के बीच में आना चाह रहे थे और हम उन्हें रोक रहे थे कि भाई आप ऐसे मत करो, इसलिए फिर हम लोगों ने उनको पोस्ट में वो किया। तो ये पहली दफा हुआ है क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत ही छोटा हो गया है और अब हमें मौका मिले। और दूसरा, ये लोग तो बाद में आए, मैं तो पहले ही कह रहा था कि हमने तो रिवीजन भी करनी है, तो फिर इससे एक ऑटो पे मौका मिल जाएगा कि वो लोग जिन्होंने पहली दफा पढ़ना है तो उसी मिजाज में। मैं आपको मजे की बात बताऊं, आप सब लोगों को, आप लोग नोट कीजिएगा, जब हम पुराने टॉपिक्स पे जाएंगे ना तो आपको समझ बहुत अच्छी आ रही होगी। इसलिए नहीं कि मैं पढ़ा बहुत अच्छा रहूंगा, इसलिए कि अब आप पढ़ना चाह रहे होंगे। हमने जिस वक्त वो टॉपिक्स पढ़े उस वक्त आपकी चाहत नहीं थी इतनी पढ़ने वाली। आप अभी सोच रहे थे कि अभी कोरोना की वेव आ जाए, अभी कॉलेज बंद होने का हो जाए, अभी कुछ और इस तरह से हो, अभी मिजाज बनता है, मूड बनेगा तो पढ़ेंगे, अगले वीक से सोचेंगे, अच्छा ये तो शोगल है, और ऊपर से वो FR1 की मोहब्बत तो आपको कभी बाहर निकलने ही नहीं देती। हालांकि वो पेपर पास होने से भी एक पेपर पास होगा और बिजनेस लॉ से भी एक पेपर पास होगा, तो उस वजह से वो जो वो टाइम गुजरा है ना, वो बड़ा नॉन सीरियस गुजरा है। अब हम वो वाला टाइम अच्छा गुजार लेंगे। तो वो बिल्कुल आपका कंसर्न सही है, पोस्ट रिजल्ट के स्टूडेंट्स कई दफा न्यूमेरिकल सब्जेक्ट में सर अभी दूसरे स्टेप पे होते हैं तो सर से कहते हैं सर वो यहाँ पे वो ब्रेकअप वैल्यू निकाल के वो वाला काम नहीं करना था, तो सर पहले उन बच्चों को डांटते हैं कि पाजन हौसला करो, मैं अगर करा रहा हूं तो मेरे साथ से चलो। और दूसरा, ऐसे में जाहिर है थोड़ी सी तंगी होती है, तो जिस सब्जेक्ट में आपको परेशानी आप जरूर बताएं। इस सब्जेक्ट में मैंने आपको बता दिया कि हमारे अब तो सवाल भी बड़े कम हो गए। एक भाई ने कहा सर इसलिए कि टॉपिक आसान चल रहा है, तो बड़ी अच्छी बात है। अगर ये टॉपिक आसान लग रहा है, मैं आपको बताऊं जो हमने पढ़ा वो बहुत आसान था, लेकिन उस वक्त आपकी बेस बन रही थी, आहिस्ता 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 समझ रहे थे, और रिजल्ट आने के बाद ऑटोमेटिकली लोगों में एक सीरियसनेस आ जाती है कुछ अरसे तक। तो अल्लाह करे वो सीरियसनेस कुछ कायम और दायम रहे। आपको पता है हम लोगों ने एक बड़ा पेपर प्लान किया हुआ है 1.5 हफ्ते बाद, यानी कि हम 1.5 हफ्ते बाद क्लास को ऑफ करेंगे 1 हफ्ते के लिए। उस 1 हफ्ते में मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं, आप फुल फ्लेश तैयारी करेंगे, मैनेजमेंट से मिलके हम एक दिन डिसाइड कर लेंगे, वो दिन आपको अनाउंस करेंगे, 3 घंटे का फुल फ्लेश पेपर। यहाँ पे प्री और पोस्ट वालों को हम अलग अलग कर देंगे। पोस्ट वालों को जितना पढ़ा होगा उतना, जितना उन्होंने बाद में पढ़ा होगा, प्री वालों ने जितना पढ़ा होगा, आएगा ना मजा। ताकि एक दफा अगर आपको एहसास हो कि जब पीछे से देख रहे होंगे ना तो चीजें भूली हुई होती हैं, और ऐसा नहीं है कि अचानक से जी एक दिन आपका ऑफ हुआ और अगले दिन आपका वो वाला टेस्ट आ गया। आपको कम से कम मरे से मरे 3 दिन मिलेंगे गैप, और मैं देखता हूँ टाइम टेबल वगैरह को, हो सकता है 5-6 दिन कम अज कम आपके पास मौजूद हो तैयारी के लिए। लेकिन इस दौरान जाहिर है अकाउंटिंग आपकी चल रही होगी जी, हमारी यही ख्वाहिश है कि हम उसको फिजिकल करें, जिसकी वजह से उसका टाइम टेबल हमें थोड़ा सा आगे पीछे करना पड़ेगा। फिजिकली ट्यूसडे से लेके फ्राइडे के दरमियान हम कोई एक दिन चूज कर रहे होंगे, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कम अज कम उससे पहले 3 छुट्टियां होंगी कम अज कम, और अगर हम उसको प्लान करते हुए थोड़ा सा आगे की तरफ प्लान कर सके तो थोड़ी सी जरा ज्यादा छुट्टियां मिल जाएंगी जी। तो हमने वो प्लान रिवील कर दिया। अगर 5-6 दिन का गैप होगा तो हम यही सोचते रहेंगे कल पढ़ लेंगे। अब अगेन मेरे ख्याल में यहाँ पे थोड़ा सा एक स्कूल ऑफ थॉट बदलने की जरूरत है। एक दिन की छुट्टी के बाद अगर ले लें तो फिर सारे कहेंगे कि अच्छा इतने कम टाइम में तो तैयारी नहीं होती, रहने ही देते हैं। तो ज्यादा बड़ा रिस्क है रहने देते हैं वाले लोग, और कम रिस्क है कि कुछ लोग आधा तैयार करें और आधा तैयार ना करें। खैर वापस इधर आते हैं, तो वो भाई ने एक अहम कंसर्न रेज किया था। जाहिर है ऐसे होता है, लोग थोड़ा सा डिस्टर्ब होते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि अब हमारे जो सवाल हैं वो भी मैच्योर हो चुके हैं और सीक्वेंस भी बड़ा बेहतर है। और क्या आपने कहीं नोट किया कि पोस्ट रिजल्ट एक टॉपिक आए जो मैंने प्री में पढ़ाया और मैं रुक के पहले पूरा वो समझाना शुरू कर दूं कि क्या बात हुई थी? ऐसा नहीं, मैं उसका रेफरेंस देता हूँ। वो रेफरेंस आपके लिए इसलिए अच्छा होता है कि आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, और उनके लिए इसलिए अच्छा होता है कि उन्होंने उससे पहले पढ़ा हुआ होता है तो उन्हें मोटा मोटा याद आ जाता है, लेकिन जितना याद आना चाहिए होता है बस उतना रेफरेंस दिया जाता है। और उसके बाद फिर हम पोस्ट वालों के साथ अलग से फिजिकल क्लास भी कर रहे होंगे बाय द एंड ऑफ सेशन, जब आप लोग अपना कोर्स खत्म कर चुके होंगे। उस वक्त क्लास में सिर्फ वही प्री रिजल्ट का बच्चा आ रहा होगा जो वाकई सीरियस होगा, क्योंकि मेरी तरफ से क्लास खत्म हो चुकी होगी,
लेकिन जो वाकई पढ़ना चाह रहा होगा वो आएगा, और यकीन माने उस वक्त आपको मजा आएगा, वही सारे टॉपिक जो पहले पढ़े हुए हैं ना वो करके एक अलग ही लेवल का मजा आ रहा होगा कि अरे वाह। मतलब नॉर्मली ना बच्चे क्या करते हैं, एंड पे पढ़ना शुरू कर देते हैं, कहते हैं सर आप एंड पे अच्छा पढ़ाते हैं शुरू में अच्छा नहीं पढ़ाते, तो फिर उन्हें बताना पड़ता है कि भाईजन मसला ये है कि मैं शुरू से भी पढ़ाना चाहता था, मैं आज भी पढ़ाना चाहता हूँ, आप पढ़ना आप चाहते हैं। तो ये चाहत बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप अपने अंदर डिजायर पैदा करें, हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। एक मतलब बिजनेस के एक थ्यूरिस्ट का मानना ये है, वो कहता है 50% आउटकम बाहर की दुनिया से आती है, 50% आउटकम अंदर से आते हैं। वाह जी वाह, बच्चों को याद है। तो अगेन 50% ऑफ द थिंग्स मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ। मैं देखें थोड़ा सा देखते हैं मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको लेक्चर पढ़ा रहा हूँ। ओके, मैंने आपको पहले कॉन्सेप्ट समझाया, क्या किताब की अंग्रेजी की तशरीह करना मेरे जिम्मे है? नहीं। लेकिन क्या होता है, फिर मैं उसकी इंग्लिश दिखाता हूँ, फिर उस इंग्लिश में जो मुश्किल लफ्ज है उसके साथ उसका उर्दू तर्जुमा भी लिख देता हूँ, फिर उसके बाद भी खत्म नहीं होती कहानी। मैं कहता हूँ अगले दिन भी जब आप पढ़ के आए हैं तो आप मुझे बताएं जो मसले हैं, हम अगले दिन पहले मैं एक रिकैप देता हूँ छोटा सा, फिर हम पिछले दिन के सवाल जवाब वगैरह करते हैं, जब मुतमईन होते हैं तो आगे चलते हैं। और वीकली मैं टेस्ट लेना चाहता हूँ, इसलिए मैंने मैं का लफ्ज इस्तेमाल किया कि मैं टेस्ट लेना चाहता हूँ। तो ऐसे में जब आपने सिर्फ थोड़ा सा कदम हमारी तरफ बढ़ाना है, सिर्फ वो टेस्ट वाले दिन टेस्ट देना शुरू कर देना है, सिर्फ सवालों वाले टाइम पे कोशिश करना है कि एक अच्छा एक पुख्ता सवाल लेके आए कि हाँ भाई वो एक ऐसी चीज है जो कि नहीं समझ आ रही और उससे आंसर हो जाए, तो हम कोशिश कर रहे हैं, आप भी कोशिश करें, इंशाल्लाह बड़ा मजा आएगा जी। ये मैनेजमेंट वाले को आप कहेंगे, नहीं सुन रहे जी, उन्हें मैनेजमेंट को कहा है, मैनेजमेंट वाले एसी का नहीं सुन रहे, वो कह रहे हैं से बच्चे ठंडे हो जाते हैं, पिछले दो चलवा दें, पिछले दो चल भी रहे हैं। ठीक है जी, तजर्बे की बुनियाद पे मैनेजमेंट ने कहा जी पिछला वाला ऐसी चलता है तो उससे क्लास ठंडी भी रहती है और आगे वाले बच्चे गर्म भी रहते हैं, जो बच्चे नॉर्मली पीछे चले जाते हैं ना इजी रिलैक्स होके, तो वो अपने आराम से एसी के माहौल में कभी कभी आंख खोल के देख लिया टीचर को, जो आगे जोश में भरे हुए बच्चे जो है ना वो जोश रहना चाहिए। और सोचिए यहाँ इतनी गर्मी है तो यहाँ कितनी गर्मी होगी, सबसे ज्यादा गर्मी यहाँ होती है। आप देखे ना आप जैकेटें पहन के बैठे हुए हैं और मुझे स्वेटर में भी गर्मी लग रही है, और मैं मतलब एक दो दिन तजर्बा करता हूँ स्वेटर का, फिर उसको खत्म करके दोबारा कुर्ते सलवार पे आ जाता हूँ, फिर तो सोचता हूँ शायद अगले हफ्ते ठंड आ जाए, ठंड आई हुई है लेकिन यहाँ गर्मी होती है। हाँ ऊपर बल्ब चल रहे हैं, बड़ा फैक्टर आइडेंटिफाई किया भाई, ये इल्म की गर्मी है, ये जोश है, ये जिम्मेदारी की गर्मी है। खैर इधर वापस आते हैं, सवाल हमारे जो थे वो खत्म हो चुके थे, लेकिन एक भाई का कंसर्न था। ऑनलाइन में हमारे पास सवाल आया, सर टाइम अभी भी पास नहीं हुआ। जी बिल्कुल, मैंने बहुत कोशिश की। सर ऑनलाइन स्टूडेंट फिजिकल टेस्ट दे सकते हैं? जी बिल्कुल, ये ऑप्शन आपके पास हमेशा मौजूद है। ऑनलाइन वाले कभी भी वो जो वीकली टेस्ट है वो ट्यूसडे वाले दिन फिजिकली आके देना चाहें, हम उन्हें फैसिलिटेट करेंगे। ये जो मिड टर्म होगा, ये जो जो बड़ा वाला टेस्ट होगा उसमें फिजिकली आके दे दें तो भी, ऑनलाइन भी दे सकते हैं, लेकिन वाकई ही फिजिकली आके कॉलेज के उस गिवन टाइम में देंगे, 3 घंटे का मार्जिन रखे, तो फिर मजा आएगा। हम बिल्कुल आईकेएफ वाले पैटर्न पे कर रहे होंगे, 15 MCQs और बाकी सब्जेक्टिव, उसी तरह से 3 घंटे वाला टेस्ट, उसी तरह से कोशिश करेंगे कि आपको रूल्स बताएं कि ये रूल्स हैं, और कोशिश करेंगे कि आप उस पैटर्न को फॉलो करें, क्योंकि ये तजर्बा आपने आईकेएफ में जाके करना है, उससे पहले एक दफा हमारे माहौल में कर लें, आपको अभी पता लग जाए, एक अच्छे टाइम पे पता लग जाए कि नहीं अब आपको कहाँ कहाँ सीरियस होने की जरूरत है, और फिर आपको एहसास हो कि वो जो टेस्ट आप छोड़ते आए हैं वो कितने जरूरी थे लिखत उसकी प्रैक्टिस करने के लिए। नहीं भी आता हो कम से कम आप आ जाएं, कम से कम पेपर देख के एक आइडिया हो कि एक पेपर को देख के पहला थॉट क्या जहन में आता है, हम उसमें से शुरू में कौन से सवाल कर सकते हैं, एक ट्रायल मैच है जो आईकैप में जाने से पहले खेल लिया जाए। हम एंड ऑफ सेशन पे मॉक करेंगे पूरे सिलेबस का, लेकिन उस वक्त तक बच्चे अपने घरों को भाग चुके होते हैं तैयारी के लिए, तो ये एक मिड टर्म हम ऐसे कहते हैं, इसमें लोगों के पास एक टाइम होता है, ये मिड नहीं, हम इसको तकरीबन सेशन में थोड़ा सा आगे 60% कवरेज के बाद ऐसे कवर कर रहे होते हैं। डन। तो ये अनाउंसमेंट मैंने किसी और दिन करनी थी लेकिन मैं आज कर दी। ओए होए, एक खतरनाक सवाल आया है जी। अनफॉर्चुनेटली एक खातून ने सवाल पूछा है कि सर गर्ल्स ऑनलाइन ही देंगी मिड? जी बिल्कुल, असल में इस कैंपस में जो है वो हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं है कि हम खवातीन को अकोमोडेट कर सकें, क्योंकि हमारे पास अवाम ज्यादा होती है, और जब इतना ब्लॉटेड कैंपस होता है जिसमें ज्यादा अवाम होती है तो फिर बड़ा मुश्किल होता है डिसेंसी मेंटेन रखना और फिर अच्छी तरह से कंट्रोल रखना, तो इतना चेक एंड बैलेंस जब करने की या रखने की हमारे पास अभी कैपेसिटी नहीं है, तो इसलिए हम फिजिकली गर्ल्स को इन्वाइट नहीं करना चाह रहे, क्योंकि हमें उनका तकद्दस अजीज है, हम नहीं चाहते कि वो एक
ऐसे कैंपस में जहां बहुत ज्यादा रश हो और बहुत ज्यादा अजीबोगरीब सा सिलसिला हो, और ऑब्वियसली जहां पे एक बहुत बड़ी तादाद बॉयज की हो और बॉयज भी हो हॉस्टलाइज, तो ऐसे में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और फिर कैंपस में कॉमन रूम, बहुत सारी और एसेसरीज उसके साथ अटैच, काफी ज्यादा चीजें करनी होती हैं, पॉसिबल होता है, लेकिन जितना ओवरलोड इस वक्त हो चुका हुआ है कैंपस पे, इस वक्त हम खवातीन को एक डिसेंट तरीके से यहाँ पे एंटरटेन नहीं कर सकेंगे, उनको एडजस्ट नहीं कर सकेंगे, तो इसलिए हम आपसे माजरत कर रहे होते हैं। आपको पढ़ाने से हम नहीं रोकते, आपको पढ़ने से नहीं रोकते, देखें आप ऑनलाइन मौजूद हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन कैंपस के अंदर जो है वो एनवायरनमेंट आपके लिए फिजिबल नहीं है। जी खर्चा कितना है? ठीक है, आपका तकरीबन 20-23% सिलेबस खत्म हो सकता है तब तक। असल में अभी ना हमारे पास सिलेबस की ग्रिड उतनी छोटी नहीं है, पहले क्या होता था पार्टनरशिप 10 से 15 नंबर की वेटेज, अब उन्होंने ऐसा नहीं किया, वो कहते हैं पार्टनरशिप निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, छोटे छोटे से वो 6 लॉज ये मिला के वो कहते हैं 35 से 52 नंबर का पेपर है। वो इतनी अजीब सी ग्रेड दी है कि अब आप किसी एक टॉपिक को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, बट आई पर्सनली बिलीव कि पार्टनरशिप कम से कम 11-12 नंबर का तो कम से कम है, और इससे ज्यादा का भी हो सकता है, कम का नहीं। लें जी, जब खाली 50 नंबर का पेपर होता था उस वक्त भी पार्टनरशिप अपने अंदर 11-12 नंबर का टॉपिक था, तो अभी जब सिलेबस पूरा 100 नंबर का है तो पार्टनरशिप की कम से कम इंपॉर्टेंस 11-12 नंबर की तो कम से कम है, इससे ज्यादा हो सकती है, इससे कम बड़ा मुश्किल चांस है, क्योंकि इस पोर्शन के सवाल पूछना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आगे वो जो 6 छोटे छोटे लॉज हैं वो सारे रटे वाले हैं तकरीबन, तो लॉजिकल सवाल या निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से बनेगा या पार्टनरशिप से बनेगा। जी एक लफ्ज जो हम बड़े अरसे से डिस्कस करते आ रहे हैं, ट्रांसफरी। पार्टनर अगर अपना इंटरेस्ट किसी को ट्रांसफर कर दे, जिसको ट्रांसफर करे हमने कहा था वो खुद ब खुद पार्टनर नहीं बन जाता। मैं पुरानी एग्जाम्पल को लेके चलूंगा, पुरानी एग्जाम्पल हमारी ये थी कि एक बंदे ने कहा कि मैं अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट मस्जिद को देना चाहता हूं, या मैं अपना हिस्सा मस्जिद को देना चाहता हूं, याद है? तो एक बंदे ने कहा जी मैं पार्टनरशिप में काम कर रहा हूं, मैं काम करता रहूंगा, मैं अपना हिस्सा उठा के देना चाहता हूं फलाना मस्जिद को। तब होगा क्या, ये पार्टनर काम करता रहेगा, इसने पार्टनरशिप छोड़ी नहीं है, ये काम करता रहेगा, उस काम के एवज इसको जो प्रॉफिट का हिस्सा मिलना था वो किसको जाता रहेगा? मस्जिद। जिस वक्त पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी, टेन्योर पूरा हो जाए, मकसद पूरा हो जाए, या आपको याद है वो नोटिस वाली बात हो जाए, जब पूरा हो जाएगा टेन्योर या जब पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी, तो इसका जो एसेट्स का हिस्सा है वो भी उस मस्जिद को चला जाएगा। यानी जब तक ये पार्टनर मौजूद है तब तक एसेट का हिस्सा फर्म में पड़ा हुआ है, और जो प्रॉफिट्स का सालाना हिस्सा है वो किसको जाता रहेगा? मस्जिद को। और जिस वक्त पार्टनरशिप खत्म हो गई तो इसका जो एसेट्स का हिस्सा है वो भी मस्जिद को चला जाएगा। ये बात समझ आई? मेरा एक सवाल है, क्या वो मस्जिद पार्टनर है? नहीं। क्या उस मस्जिद को इजाजत होनी चाहिए कि वो आके अकाउंट्स वगैरह को देखे? क्योंकि जो असल बंदा है वो मौजूद है वहां पे, वो अकाउंट देख सकता है, वो सारे काम कर सकता है। अगर मस्जिद को उसका रेलेवेंट शेयर ऑफ प्रॉफिट ना मिले तो मस्जिद पार्टनरशिप से बात करेगी या इस बंदे से बात करेगी? इस बंदे से बात करेगी। इसका मतलब है मस्जिद का पार्टनरशिप से कोई कनेक्शन नहीं है जब तक पार्टनरशिप बंद नहीं हो जाती। हाँ, जिस दिन बंद हुई और इस मस्जिद को अपना एसेट्स में हिस्सा नहीं मिला और पार्टनरशिप बंद हो रही है, अब ये मस्जिद दिन पे केस कर सकती है। वो कह सकते हैं कि जी हमारा एसेट्स में इतना हिस्सा था और इन लोगों ने हमारा हिस्सा हमें नहीं दिया। तो इसका मतलब है कि वो मस्जिद जब तक पार्टनरशिप बंद नहीं हो जाती तब तक बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकती। चलें पार्टनरशिप चल रही हो, ये वाला पार्टनर निकल रहा हो, तो जब ये पार्टनर निकल रहा होगा तो तकरीबन मस्जिद के लिए तो पार्टनरशिप खत्म हो गई ना। मस्जिद का तात्पर्य किस बंदे के हिस्से था, तो जो एंड पे क्लोजिंग होके इसको अपना हिस्सा मिलना था, उसका एक रिकॉर्ड बनेगा पूरा, अकाउंट्स वगैरह बनेंगे, और वो फिर पैसे किसको मिल जाएंगे? इस वक्त वो मस्जिद आके केस कर सकती है अगर उनको उनका पैसा ना मिले। अगर एक बंदे ने एक दफा ये कह दिया कि मैं अपना हिस्सा मस्जिद को देता हूं, तो उसके बाद फिर वो उसको इतने आराम से रिवर्स नहीं कर सकता जब तक कि वो उस मस्जिद की मर्जी भी शामिल ना हो। तो कहने का मतलब ये है कि एक बंदा ड्यूरिंग पार्टनरशिप ही पार्टनरशिप से अपना ताल्लुक बरकरार रखते हुए अपना दोनों तरह का हिस्सा किसी और को दे सकता है। वो जिस किसी और को दिया वो बन जाएगा ट्रांसफरी।
याद है, डबल ई लगाने से वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, ये बन जाएगा ट्रांसफरर। तो जिसका हिस्सा ट्रांसफर हुआ है वो बन गया ट्रांसफरर, और जिसको हिस्सा ट्रांसफर हुआ है ट्रांसफर। तो ट्रांसफरर अपना हिस्सा ट्रांसफरी को ट्रांसफर कर देगा, प्रॉफिट साथ साथ मिलता रहेगा। और एसेट्स कब मिलेंगे, या पार्टनरशिप बंद हो जाए या ये वाला पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा हो। बातें मजेदार है, अंग्रेजी देखते हैं। अब पार्टनर मे ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट, और मैंने आपको बताया था कि इंटरेस्ट ये सूद वाला नहीं है, इंटरेस्ट का मतलब है हिस्सा, इन फर्म सेल भी कर सकता है, गिरवी शिरवी भी करवा सकता है, मॉर्गेज या चार्ज। आप ये आगे की क्लासेस में जाके पढ़ेंगे कि कई दफा एक बंदा अपना किसी दूसरे को जमानत के तौर पर रखवा देता है हिस्सा, फुल हिस्सा भी या पार्शल हिस्सा भी। वो कह सकता है कि मैं 20% का पार्टनर हूं, 10% की हद तक मेरा आधा हिस्सा मस्जिद को और आधा हिस्सा मुझे। तो कोई भी शख्स अपना हिस्सा पार्टनरशिप में सेल भी कर सकता है या किसी भी और तरीके से दूसरे के हवाले कर सकता है। जैसे जी ऑनलाइन में आवाज क्लियर है, आ रही है? डन। हम देख रहे थे कि एक बंदा अपना हिस्सा ट्रांसफर कर सकता है किसी ट्रांसफरी को। अभी ट्रांसफरी की राइट क्या है, ही इज एंटाइटल्ड टू रिसीव द शेयर ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द ट्रांसफरिंग पार्टनर। जिस पार्टनर ने ट्रांसफर किया है उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलता रहेगा। क्या मिलता रहेगा? शेयर ऑफ प्रॉफिट। अभी एसेट्स के हिस्से की बात नहीं हो रही। ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और ऑन रिटायरमेंट ऑफ ट्रांसफरिंग पार्टनर, या तो फर्म बंद हो जाए या वो छोड़ के जा रहा हो, ही इज एंटाइटल्ड टू शेयर ऑफ द एसेट्स ऑफ फर्म टू विच ट्रांसफरिंग पार्टनर इज एंटाइटल्ड। वो जो ट्रांसफरिंग पार्टनर का जितना हिस्सा था एसेट्स में वो इसे मिल जाएगा। और ये अकाउंट्स डिमांड कर सकता है फ्रॉम द डेट ऑफ डिसोल्यूशन फॉर द पर्पस ऑफ असर्टेनिंग। असर्टेनिंग का मतलब है अंदाजा लगाना, असर्टेनिंग द शेयर। तो उसके पास दो राइट्स आ गए, नंबर वन अब वो आके एसेट्स भी मांग सकता है, और नंबर टू वो आके हिसाब किताब भी मांग सकता है। कह सकता है सामने रखो, जिस बंदे ने मुझे अपना हिसाब शेयर किया था, जरा उसका मुझे सारा रिकॉर्ड दिखाओ कि उसके क्या एसेट थे, कितने उसको ट्रांसफर हुए। तो जब तक पार्टनरशिप बना हो या ये पार्टनर छोड़ के ना जाए, तब तक आप वो अकाउंट्स नहीं देख सकते आके। लेकिन जिस वक्त पार्टनरशिप खत्म हो रही हो या वो बंदा छोड़ के जा रहा हो, तो ये आके ना सिर्फ हिस्सा मांग सकता है बल्कि अकाउंट्स भी देख सकता है। ये क्या नहीं कर सकता, क्या डिसेबिलिटीज है ट्रांसफरी, क्या क्या उसके पास ऑप्शन नहीं है, वो पार्टनर नहीं है, नो स्टेटस ऑफ अ पार्टनर। फिर वो कंडक्ट ऑफ द बिजनेस में इंटरफेयर नहीं कर सकता। ऐसा नहीं होगा मस्जिद आके कह दी फलाना काम आपने जो किया है ना ऐसे नहीं, वैसे होना चाहिए था। तो ये दूर बैठा हिस्सेदार है, वो भी सिर्फ प्रॉफिट का शेयर इसको पहुंच रहा है, ये पार्टनर नहीं है। तो ये आके इंटरफेयर नहीं कर सकता कि जी आप ये वाला काम इस तरह से नहीं करेंगे। ये अकाउंट्स नहीं मांग सकता,
कब तक नहीं मांग सकता, जब तक फर्म बंद नहीं होती है वो पार्टनर नहीं छोड़ता। ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक नहीं कर सकता, ये प्रॉफिट का शेयर चेंज नहीं कर सकता। अगर इसे लगेगा इसको प्रॉफिट का शेयर सही नहीं मिला तो अपने वाले बंदे से कहेगा जिसका ये हिस्सेदार है या जिसने अपना हिस्सा इसको दिया है, वो जाके झगड़ा करेगी जी मेरा प्रॉफिट का हिस्सा आपने सही से नहीं भेजा। लेकिन ये डायरेक्टली प्रॉफिट के हिस्से के ऊपर आके केस नहीं कर सकता, ना ये केस कर सकता है कि फर्म को डिसॉल्व करो। मस्जिद वाले सोचे कौन एंड तक इंतजार करे, काम करते हैं हम ही नोटिस दे देते हैं कि फर्म को बंद करो। जब ये पार्टनर नहीं तो या ना नोटिस दे सकता है, ना अकाउंट्स देख सकता है, ना कुछ और इसके पास मामला आते हैं। ये सारे राइट उसको तब मिलेंगे जब आखिरी दिन होगा पार्टनरशिप का, या आखिरी दिन होगा उस पार्टनर का जो यहाँ से छोड़ के जा रहा है। तो इसका मतलब है शेयर ऑफ प्रॉफिट पहले ही दिन से मिलना शुरू हो जाता है, और शेयर ऑफ एसेट्स डिसोल्यूशन के दिन या उस पार्टनर के छोड़ के जाने वाले दिन। तो डिसोल्यूशन से पहले पहले ये फर्म से आके कोई बातचीत नहीं कर सकता, कोई अकाउंट नहीं देख सकता, कोई केस नहीं कर सकता। हाँ, डिसोल्यूशन के वक्त अगर इसके साथ नाइंसाफी हो रही है, एसेट्स की डिस्ट्रीब्यूशन के वक्त नाइंसाफी हो रही है, तो उस वक्त आके जरूर क्लेम कर सकता है। जी जी अब सवाल ये कि क्या इसको निकाला जा सकता है। ये सब पार्टनर नहीं है, ऐसा नहीं है कि एक पार्टनर ने खुद ही अपने तौर पे इंतजाम किया और खुद ही से ही उसने खत्म कर दिया। ये ऑप्शन के लिए इजाजत लेनी पड़ेगी सबसे, एक दफा सबकी कॉन्सेंट होगी और उसके बाद इसको वो बनाएगा ट्रांसफर ही। यहाँ पे मैं इस बंदे को अपने प्रॉफिट में अपने हिस्से में हिस्सेदार बनाना चाहता हूँ, लेकिन स्टिल ये पार्टनर नहीं कहलाएगा। इसके लिए जो लॉ लफ्ज इस्तेमाल करता है वो है ट्रांसफरी, और ये वन ऑफ द एग्जांपल है कि जिनको प्रॉफिट का शेयर जाता है बट वो पार्टनर नहीं होते। जी इस केस में लॉसेस की क्या डीलिंग होगी? अगर उसने शेयर ऑफ प्रॉफिट या लॉसेस दोनों बताए हुए हैं तो एक रूल होता है, वो रूल ये होता है कि इसको लॉसेस इसके हिस्से से ज्यादा नहीं हो सकते। यानी अगर आपने कह दिया जी मेरे प्रॉफिट एंड लॉस का हिस्सा फलाना को जाएगा, तो अगर फर्ज करें पार्टनरशिप लॉस में और प्रॉफिट निकला ही नहीं तो ट्रांसफरी को कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन लॉस इस पार्टनर के जिम्मे आएगा जिसने अपना हिस्सा उनको दिया। नॉर्मल रूल है। लेकिन अगर ये एग्रीमेंट में लिख लेंगे मेरे प्रॉफिट और मेरे लॉसेस दोनों के हिस्सेदार है वो मस्जिद, तो फिर आपको याद होगा प्रॉफिट का हिस्सेदार होना शर्त होता है, लॉस का हिस्सेदार होना शर्त नहीं। तो अगर एग्रीमेंट में तय कर लिया आपस में उस वक्त, इनको एंटर करते हुए कह दिया कि लॉस को भी बर्दाश्त करेंगे तो लॉस को बर्दाश्त करेंगे, अदरवाइज उनको लॉस से मुराद ये है कि पार्टनरशिप को लॉस, पार्टनर को हिस्सा नहीं मिला, उल्टा जेब से देना पड़ गया। उन लोगों से जेब से हिस्सा नहीं मांगेंगे, बस उनको उस साल का प्रॉफिट नहीं मिलेगा। जी ये एजेंट के तौर पे पार्टनरशिप वालों के साथ एक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि पार्टनरशिप वाले इसे सिर्फ एक हिस्सेदार, एक ऐसे बंदे के तौर पे जानते हैं जिसको पैसे चाहिए बस। ये ऑफिशियली रिप्रेजेंट नहीं कर रहा पार्टनर को, पार्टनर का एजेंट नहीं है। हाँ, पार्टनर अपने तौर पे इसके साथ किसी और जगह कोई और मामला करना चाहे वो उनकी मर्जी है, लेकिन हमारी पार्टनरशिप में इसका स्टेटस सिर्फ एक ऐसे बंदे का है जिसको एक पार्टनर ने कहा यार मेरे पैसे मुझे नहीं इसको दे दिया करो। और जरूरी नहीं कि मस्जिद हो, मैंने एग्जांपल दी थी, हो सकता है भाई हो सकता हो गया यार मेरे प्रॉफिट का हिस्सा ना 10% मेरे भाई को दे दिया करो, वो इस वक्त जॉबलेस है, चलो उसका फायदा होता रहेगा साथ साथ। तो ट्रांसफर कैन बी एनी पर्सन जिसको एक पार्टनर ने अपना पहले हिस्सा ऑफ प्रॉफिट फिर हिस्सा ऑफ द एसेट्स दोनों दे दिए। जी जी अब अगेन यहाँ पे वो वाला रूल के जितने एसेट उसके पास जाएंगे उतना ही लायबल होगा, वो रूल है लेकिन हमारी किताब में नहीं लिखा हुआ। साल का उससे ज्यादा उससे नहीं मांग, लेडीज पे करने के लिए ट्रांसफरी से नहीं मांगेंगे, तकरीबन वही वाला लिमिटेड लायबिलिटी है ट्रांसफरी की, लेकिन अगेन किताब में सामने सामने नहीं लिखा हुआ। जी सामने के हजरात, ऑनलाइन वाले हजरात, सर अगर दो पार्टनर्स हैं और एक पार्टनर किसी और के साथ कैपिटल शेयर करके बिजनेस दूसरे पार्टनर के साथ करे तो क्या सोल्यूशन होगा? दो पार्टनर हैं, एक पार्टनर किसी और के साथ कैपिटल शेयर करके बिजनेस दूसरे पार्टनर के साथ करे, ठीक है, इसका मतलब वो अपने तौर पे किसी को अपने साथ लेके आया है ना कैपिटल में, तो जो अपने तौर पे अपने साथ किसी को लेके आया है वो सब पार्टनर है, उसका फिर मेन पार्टनरशिप से कोई ताल्लुक नहीं है। ट्रांसफरी मेन पार्टनरशिप से ताल्लुक है, सब जानते हैं इसे क्योंकि ये सबकी कॉन्सेंट से आया है। सब पार्टनर बगैर कॉन्सेंट के आता है। सर वो पार्टनर्स जिन्होंने मस्जिद को ट्रांसफरी बनाया हो वो अपनी मर्जी से मस्जिद को ट्रांसफरी के स्टेटस से एंड कर सकता है? नहीं, अब सबकी रजामंदी जरूरी होगी, सबकी मर्जी से ऐसा हुआ था, अब सबको दोबारा से उस पर रजामंद करना पड़ेगा, अकेले ये डिसीजन नहीं होगा।
क्योंकि ये जाते हुए भी शेयर, क्योंकि अब टेक्निकली वो उतने का हिस्सेदार रहा ही नहीं है, फर्म के रिकॉर्ड में उतने के हिस्सेदार है वो मस्जिद, जो कि एक तरह की साइलेंट पार्टनर है, जो कि पार्टनर नहीं है, बस वो वहां पे अपनी जगह पे है, बस उसको हमने हिस्सा पहुंचाते रहना है। तो इसको अनडन करने के लिए भी, इसको अनडू करने के लिए भी आपको सबकी रजामंदी चाहिए होगी, और इस दफा उसकी रजामंदी भी चाहिए होगी मस्जिद की। सर पार्टनर जब चाहे हिस्सा वापस, ये भी हमने बात की। सर ट्रांसफरी की रिटायरमेंट के बाद ये पार्टनर कंसिडर हो जाता है, ट्रांसफरर की रिटायरमेंट के बाद ये पार्टनर नहीं, उसकी रिटायरमेंट के बाद भी इसको पार्टनरशिप में हिस्सा कभी नहीं मिलना, इसको सिर्फ और सिर्फ एसेट्स मिल जाएंगे और इसको खुदाफिस कह दिया जाएगा, और उसके बाद इसको शेयर ऑफ प्रॉफिट भी नहीं दिया करेंगे। तो अगर वो रेलिवेंट पार्टनर जिसने अपना हिस्सा ऐसे दिया था वो अगर जा रहा है तो बस उसके साथ ये भी चला जाएगा। हाँ, अगर पार्टनर्स आपस में किसी और टाइम पे फ्यूचर में इस बंदे को खुद से पार्टनरशिप में किसी और वजह से एंटर करना चाहे वो उनका मसला है, लेकिन इस वक्त एज अ ट्रांसफरी इसका स्टेटस खत्म हो चुका हुआ है, और जब पार्टनरशिप बंद हुई है कहानी खत्म। सर ठीक हो गया, यहाँ वाले आंसर हो गए, यहाँ से कोई सवाल फिर भी आया था। ट्रांसफरी को अगेन मतलब ये फिर शुरू में तय करना पड़ेगा, कॉमन रूल ये है कि जब आप एक बंदे को ट्रांसफर करते हैं ना अपना इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मतलब अपना हिस्सा, तो हिस्से होते हैं दोनों तरह के, प्रॉफिट का भी एसेट का भी। अगर आप ये लिख दें अच्छी तरह से एक्सप्रेसली और ये बात सबको पता हो कि सिर्फ शेयर ऑफ प्रॉफिट जाना है, तो सिर्फ शेयर ऑफ प्रॉफिट जाएगा, फिर एसेट्स का हिस्सा नहीं जाएगा। लेकिन हम जो रूल्स पढ़ रहे हैं वो कॉमन रूल्स पढ़ रहे हैं कि नॉर्मली क्या होता है, तो हमने अभी तक इतना छोटा सा एक पोर्शन पढ़ा। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा लॉजिकल पोर्शन। जी अगर ट्रांसफरी अपनी जिंदगी में इंसॉल्वेंट हो जाता है और उसने कुछ लोगों के पैसे देने नहीं दे पा रहा, तो फिर वो जो उसका असाइनी आएगा, जो गवर्नमेंट का नुमाइंदा आएगा उसका हिसाब किताब करने, वो देखेगा उस बंदे को कहां कहां से पैसे मिलते थे, और फिर वो पार्टनरशिप से आके, मतलब इस पार्टनर से आके जिस बंदे ने अपना हिस्सा दिया था, ऐसे कहेंगे कि वो जो उसको हिस्सा देते थे ना तुमने मुझे देना है, क्योंकि वो बंदा इंसॉल्वेंट हो गया, मैं उसका हिसाब किताब करवा रहा हूँ। जी तो अगेन ये नॉर्मल रूल नहीं है, जब आप दूर जाके सोचते हैं तो फिर मैं दूर जाके जवाब देता हूँ। जी ठीक है, पार्टनर अगर एक बंदे को एडवांस देता है और जिसको उसने एडवांस दिया वही ट्रांसफरी है, नहीं पार्टनर पार्टनरशिप को एडवांस देता है, तो आपको पता है कि पार्टनर जब पार्टनरशिप को एडवांस देता है तो पार्टनर को पार्टनरशिप के प्रॉफिट के अलावा इंटरेस्ट भी मिलता है, ये इंटरेस्ट भी इस वक्त हिस्सा काउंट होगा पार्टनरशिप का, और वो भी उसी ट्रांसफरी को मिलेगा, क्योंकि ये उसका हिस्सा है उसी की तरफ से। असल में वही बात है कि अगर आप लोगों ने इंट्रो जरा सही वाली पढ़ी होती तो उसमें एक अप्रोप्रिएशन ऑफ अकाउंट्स के एंड पे पोर्शन आता है, जिसमें प्रॉफिट को हम अप्रोप्रिएट कर रहे होते हैं, प्रॉफिट आने के बाद उसमें से पहले सैलरी या इंटरेस्ट वगैरह माइनस करते हैं, फिर जो होता है उसको शेयर में डिवाइड करते हैं, और वो जो सैलरी प्लस इंटरेस्ट प्लस शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलकर एक पार्टनर का हिस्सा काउंट होता है। लेकिन अगेन मतलब वो मैं अजम्पशन नहीं ले रहा कि आप लोगों ने वो ध्यान से पढ़ा था। जी जी ट्रांसफरी सबकी कंसेंट से आता है। नहीं, अगर उनकी कंसेंट से आया है तो उन्होंने कंसेंट किस चीज पे दी है, कैसे पार्टनर बनने के लिए कंसेंट दी है? नहीं, सिर्फ ट्रांसफरी की, तो जितनी कंसेंट दी है वो उसी के जिम्मेदार है, ज्यादा से ज्यादा इसको प्रॉफिट का हिस्सा पहुंचाना है, बस डन। एक स्टेप आगे चलते हैं, ये जैसे ट्रांसफरी का कॉन्सेप्ट है ना, ऑब्वियसली अभी हमने इतना सा पढ़ा तो ये तो फिर आपको मजा नहीं आएगा, थोड़ा सा मजा, ठीक है शाबाश, ये जो आपकी आवाजें हैं इसमें जोश है। माइनर एडमिशन टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप, याद है उसमें हमने एक दो बातें कैरी फॉरवर्ड की थी, अब एक दफा हो सके तो मुझे सुन लीजिएगा, क्योंकि आप किताब पढ़ते रहेंगे तो आप परेशान होते रहेंगे, वहां शायद किसी और तरतीब से लिखा हो, मैं शायद किसी और तरतीब से बताऊं, तो मैं थोड़ा सा आपको एक समझाने की कोशिश करूंगा है क्या। एक पार्टनरशिप चल रही है, उस चलती हुई पार्टनरशिप में हो सकता है एक बंदा, एक पार्टनर जो है वो चाहता हो कि मेरा बच्चा पार्टनरशिप में पार्टनर के तौर पे आ जाए, उसकी ख्वाहिश हो, वो चाहे तो उस बच्चे को ट्रांसफरी भी बना सकता है, कहे कि मेरे पास 40% हिस्सा है, 20% मेरे बच्चे को जाता रहे, वो बच्चे को ट्रांसफरी भी बना सकता है, लेकिन उसकी ख्वाहिश थोड़ी ज्यादा की है, वो चाहता है कि मैं अपने बच्चे को पार्टनरशिप में सबकी रजामंदी से पार्टनर बना लूं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो बच्चा है माइनर, माइनर जो है वो पार्टनर नहीं बन सकता,
माइनर बहुत सारी जगह कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, आप लोगों को पता है। तो अब अगर एक माइनर को उसने पार्टनरशिप में शामिल करना है और इस तरह से शामिल करना है कि वो वाकई में पार्टनर भी हो, तो कहानी थोड़ी सी फंस गई है, क्योंकि बच्चा अभी छोटा है और अभी छोटी एज में वो पार्टनर के तौर पे शामिल नहीं हो सकता। तो फिर लॉ ने एक ऑप्शन दिया है कि सबसे पहले आप सारे पार्टनर्स को इकट्ठा करो, उनको अपनी इस ख्वाहिश का इजहार करो, अगर वो मान जाते हैं तो आप अपने हिस्से में से कुछ हिस्सा इस बच्चे के नाम पे कर दें कि ये मेरा बच्चा जो कि मेरी पार्टनरशिप के बेनिफिट्स में ऐड हो गया, बेनिफिट्स में ऐड हो गया, अब वो बच्चा एक तरह का ट्रांसफर ही बन गया, उसको प्रॉफिट का शेयर मिलता रहेगा जब तक कि वो बड़ा नहीं होता। यूं समझे कि उसके साथ कच्चा पक्का अरेंजमेंट कर लिया, तुम्हें पार्टनर बनाते हैं बड़े तो हो जाओ, तो बड़े होने से पहले पहले ट्रांसफरी की तरह उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलता रहेगा। और चूंकि उसके साथ ये वादा है कि तुम पार्टनर हो गए आगे जाके, तो अभी आके अगर वो सामने सामने के एक दो अकाउंट देखना चाहे, सीक्रेट बुक्स नहीं, वो जो अंदर वाली होती है ना जिसमें बड़ी डिटेल कैलकुलेशन होती है किसके साथ क्या करना है, वो नहीं, जो सामने सामने के ये रिकॉर्ड्स वगैरह हैं, अगर वो आके देखना चाहे तो इतनी उसको इजाजत है। तो यूं समझें कि हम उसको ट्रांसफरी से थोड़ा सा ऊपर रख रहे हैं और पार्टनर से एक स्टेप नीचे रख रहे हैं, क्योंकि वो छोटा बच्चा है, वो अभी बड़ा होगा फिर वो डिसाइड करेगा कि वो पार्टनर है या नहीं। तो इसके लिए जो वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं वो है माइनर एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। एक दफा पूरा कॉन्सेप्ट समझना है। अब माइनर को हमने एडमिट कर लिया किस चीज में, बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप में। जिस साल प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट का उतना हिस्सा जितने का आपने हिस्सेदार इस माइनर को बनाया है इसको मिलता रहेगा। किसी साल लॉस हो गया तो बाकी पार्टनर से तो हम कहेंगे कि आप अपना हिस्सा हमें दो, अपने हिस्से का लॉस हमें कंट्रीब्यूट करो, माइनर को हम लॉस का हिस्सेदार नहीं बनाएंगे, इसलिए कि यह है माइनर एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। ये पार्टनरशिप के बेनिफिट्स में ऐड हो चुका हुआ है, उसके फायदे इसको सारे मिलेंगे, नुकसान नहीं मिलेगा। तो ये माइनर चूंकि पार्टनरशिप के बेनिफिट्स में ऐड हो गया, तो इस माइनर को साथ साथ जो है वो हम प्रॉफिट का हिस्सा देते रहेंगे। कब तक? जब तक बड़ा नहीं हो जाता। हो गया जी बड़ा, 18 साल का हो गया जी, इसका लॉस कौन बेयर करेगा? जब कोई एक बंदा अपने हिस्से का लॉस छोड़ के भाग जाता है तो क्या रूल होता है? बाकी सब अपनी रेशियो में डिवाइड करते हैं। तो इसको हम लॉस में हिस्सेदार नहीं बनाएंगे, ये सिर्फ प्रॉफिट लेता रहेगा। ज्यादा से ज्यादा नुकसान ये हो सकता है कि अगर किसी साल लॉस है तो इसको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, यानी इसका ज्यादा से ज्यादा हम उतना नुकसान कर सकते हैं जितना हमने इसको पैसे देने थे, इससे ज्यादा इसका नुकसान नहीं हो सकता। ये अभी स्टार्टिंग है, अभी आगे थोड़ी सी और कहानी जाएगी। 18 साल का हो गया, उसने कहा जी मैं चाहता हूं कि मैं पार्टनर ना बनूं। उसको ना 6 महीने में बताना पड़ेगा कि वो पार्टनर बनना चाहता है या नहीं। यानी आपने उसको एडमिट तो कर लिया था बेनिफिट्स में, वो बड़ा होगा तो अब उसमें शऊर आएगा, अब वो सोचेगा कि क्या मुझे पार्टनर बनने में फायदा है या नहीं। अगर इस वक्त वो थोड़ा सा अकाउंट्स वगैरह देख सकता है अंदाजा लगाने के लिए कि मुझे पार्टनर बनना चाहिए या नहीं, अगर वो कह देता है मुझे पार्टनर नहीं बनना, तो जिस दिन उसने ये कह दिया मुझे नहीं बनना, उस दिन तक उसका स्टेटस वही काउंट होगा, माइनर एडमिटेड टू द बेनिफिट्स वाला। और जब इसने खुदाफिस कह दिया तो इसको खुदाफिस कर देंगे। अब जब इसे खुदाफिस करेंगे तो ट्रांसफरी की तरह इसका जो हिस्सा पड़ा हुआ है वो इसे मिल जाएगा। यहां तक बात समझ आई? अगर ये कहता है कि नहीं मैंने पार्टनर बनना है, तो हम कहेंगे भाई पार्टनर तो दुख भी झेलते हैं सुख के साथ साथ। 3 साल पहले एक लॉस हुआ था जिसमें तुमसे हिस्सा नहीं लिया था, 8 साल पहले एक लॉस हुआ था जिसमें तुमसे हिस्सा नहीं लिया था, पार्टनर बनना है वो लॉस हमें दे दो। यानी कि वो जो फ्रॉम बिगिनिंग डेट ही हमारे साथ प्रॉफिट एंड लॉस के हिस्सेदार बन जाओ। अगर ये कहता है कि हाँ अब इसे गेम समझ आती है कि इस वक्त पार्टनर बनने में फायदा ज्यादा है, तो फिर इसे पार्टनर बनने का मतलब है कि फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग ही पार्टनर्स को बहैसियत पार्टनर जो जो सफर करना पड़ा पैसों में, वो इसको भी इसके जिम्मे आएगा। और अगेन मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, फिर एक दफा सारे को करेंगे। तो उसके बाद ये जिस दिन इसने डिसीजन लिया है कि हाँ भाई मैं पार्टनर बनना चाहता हूं, उस दिन से ऑनवर्ड पार्टनर का स्टेटस है। उस दिन से पीछे तक स्टेटस था तो बेनिफिट वाला, लेकिन दरमियान में अगर कोई लाइबिलिटीज भी आई जो इसके जिम्मे नहीं पड़ी, वो इसे देनी पड़ेगी ताकि ये बाकियों के साथ एट पार खड़ा हो जाए कि हाँ भाई मैंने भी आपके साथ पिछले 11 साल में आपका नफा नुकसान पूरा किया है। और फिर उस डेट से ये ऑनवर्ड पार्टनर भी काउंट होगा। ये डेट कौन सी है? जब ये 18 साल का हो गया और इसने बता दिया
18 साल होने के बाद 6 महीने हम इंतजार करेंगे। 6 महीने तक इसे बताना होगा कि पार्टनर बनना चाहता है या नहीं। अगर ये 6 महीने तक खामोश रहता है, कुछ नहीं बताता, तो हम ऑटोमेटिकली अज्यूम करेंगे कि ये पार्टनर ही बनना चाहता है, तभी तो इतने पहले से बेनिफिट्स में हिस्सेदार है। यानी अगर इसने भागना है छोड़ के तो इसे बताना पड़ेगा, और अगर नहीं बताता तो ये ऑटोमेटिकली प्रज्यूम किया जाएगा कि ये पार्टनर है। एक और रूल भी है, फर्स्ट करो 18 साल का हो गया और उसे पता ही नहीं लगा कि मैं किसी पार्टनरशिप में ऐड हूं। हो सकता है इसके फादर ने खुद से एक अरेंजमेंट करके इसको ऐड कर दिया था कहीं, और इसके पास अकाउंट्स में जो पैसे वो भेजते थे उनमें से थोड़े से पैसे वो भी होते थे जो पार्टनरशिप का हिस्सा होता था। एक पार्टनर को जब ये 20 साल का हुआ तब पता लगा कि अरे वो जो माइनर एडमिट हुआ था उसका तो फिर हमने देखा ही नहीं पलट के कि क्या हुआ उसका मामला। फिर वो उससे जाके मिलेगा और उसको नोटिस देगा कि हाँ भाई अब तुम 6 महीने में मुझे बताओ कि हमारे पार्टनर बनना चाहते हो या नहीं। अब अगर वो 20 साल की एज में कहता है नहीं, तब उसका स्टेटस बेनिफिट्स वाला 20 साल तक है। ये बात समझ आई? इसका मतलब है दिस इज लेटर ऑफ वो 18 साल का हो जाए या उसको पता लग जाए। तो जिस वक्त उसे पता लगा उसके 6 महीने के अंदर अंदर उसने डिसाइड करना है। उस 6 महीने में 5वें महीने में जिस वक्त भी वो डिसीजन लेना चाहे कर सकता है। जिस दिन डिसीजन लेगा उस दिन तक उसका स्टेटस बेनिफिट्स वाला है। उससे आगे देखा जाएगा कि वो पार्टनर है या नहीं है। अगर वो पार्टनर नहीं है तो बस आज उसको हिस्सा देके रवाना कर देंगे। और अगर वो कहता है मैं पार्टनर हूं, तो अब उसका जो हिस्सा है जो अंदर पड़ा हुआ है पहले उसमें से एडजस्टमेंट होगी उन तमाम लायबिलिटीज की जो उस दौरान की हैं जिस वक्त वो पार्टनर नहीं था, सिर्फ बेनिफिट्स ले रहा था। बात समझ आई? अब इस पे बताएं आपके सवाल क्या है, फिर किताब की अंग्रेजी देखेंगे। उधर से एक भाई कुछ सवाल पूछना चाह रहे थे। ठीक है, जी, फादर ने अगर 20% माइनर के नाम पे कर दिया है तो ऐसा नहीं है उसने अकेले ने किया है, सारे पार्टनर्स ने मिलकर इस चीज पे एग्री किया है। तो अब वो 20% फादर की तो साइड पे हो गया मामला। अब फादर 20% का हिस्सेदार है, 20% का ये बच्चा है सबकी रजामंदी से। तो अब होगा ये कि वो जो 20% का लॉस बच्चे के हिस्से आना था नहीं आया, वो सब पार्टनर शेयर करेंगे, क्योंकि सबने ही मिलकर रजामंदी का इजहार किया था कि हाँ भाई इस बच्चे को पार्टनर बना लेते। जी बिल्कुल ऐसे ही है, वो कलेक्टिवली सारी फर्म, क्योंकि बच्चा भी पार्टनर नहीं है, पार्टनर वही है जो कि 18 साल से ऊपर के हैं इस वक्त। जी अगर फर्म खामोश है और उसे नहीं पता कि मैं हिस्सेदार हूँ, तो जिस दिन उसे पता लगेगा कभी भी जिंदगी में कभी भी। जी अब सवाल ये है कि अगर फर्म वाले उसे बताएं ही ना कि देखो तुम पार्टनर बनने का अगर ऐलान करते हो तो लॉसेस भी तुम्हारे जिम्मे आएंगे, तो पहली बात है जब आप बताएंगे नहीं तो लॉसेस चार्ज कैसे करेंगे, ये तो बताना पड़ेगा। हाँ लेकिन पार्टनर खामोश रहे, कुछ ना बताएं, वो पार्टनर बन जाए 6 महीने बाद अचानक से उस पर केस कर दें कि तुमने हमारे लॉसेस भी देने हैं, तो ऐसे में ये यक तरफा गलती थी, मिस्टेक ऑफ लॉ। माइनर को गलतफहमी थी, बड़ों को तो नहीं गलतफहमी थी, और माइनर अब बड़ा हो गया तो उसे कानून का पता होना चाहिए था, तो अगर उसके साथ ऐसा हुआ है तो अच्छा हुआ है। जी जब एक माइनर पार्टनर बन जाएगा, ठीक है, वो तो उस अब भूल जाए ओवरऑल कितना था। ये तो मैंने एक एग्जांपल दी कि एक बड़े ने अपने में से कोई हिस्सा 20% का उठा के उसके हवाले कर दिए। ये इस तरह से भी हो सकता है कि एक पार्टनर छोड़ के जा रहा हो या मर जाए अचानक से, तो सारे पार्टनर मिलके उसकी बेवा से बात करें और उसको कहें काम करते हैं तुम्हारे बच्चे को पार्टनरशिप में शामिल कर लेते हैं, इसके अब्बा जी 20% के हिस्सेदार थे, तुम्हारे बच्चे को 20% हम प्रॉफिट देते रहेंगे, जब ये बड़ा होगा इसे पार्टनरशिप में शामिल कर लेंगे। तो कोई भी ऐसी चीज जिस पे सब एग्री कर चुके हो, जब हिस्सा दे दिया ना, अब ये याद नहीं रखना कि पहले किसके पास कितना था, अब वो एक तरह से नया हिस्सेदार बन चुका है। अगर पार्टनर बन जाएगा तो मैंने बिल्कुल 2-3 दफा कहा कि वो लॉसेस का हिस्सेदार होगा। कौन सा रिमेनिंग? उसको मिली 20% रहा है, रिमेनिंग क्या चीज है? बाप का है। अभी थोड़ी देर मैंने क्या कहा कि जब इसको 20% दे दिया, भूल जाए पीछे क्या कहानी थी, इसको कितना मिला है 20%। अब भूल जाए कि बाप के पास कितना था, चाचा के पास कितना था या क्या था, जो इसको मिला है उसकी ही बात होगी। इसको मिला है 20%। जी जी
लॉस कब से काउंट होगा, जिस दिन से ये बेनिफिट्स में एडमिट हुआ था उस दिन से लेके डेट ऑफ नोटिस, जब उसने दुनिया को कहा भाई मैं पार्टनर बनना चाहता हूं, उस दिन तक का अगर कोई एडिशनल लॉस जो इसके जिम्मे नहीं पड़ा था वो इसको देना पड़ेगा। जी इधर से भी एक सवाल था, आंसर हो गया था ये आपका नहीं था सवाल जी। माइनर अगर बड़ा हो गया उसने पार्टनरशिप से इनकार कर दिया, इनकार कर दिया तो जिस दिन उसने इनकार कर दिया उसका स्टेटस उस दिन तक माइनर वाली काउंट होगा, चाहे वो 21 साल की एज में इनकार करेगा, उसे पता लेट चला है तो जिस दिन वो नोटिस देगा उस दिन तक उसका स्टेटस वही काउंट होगा जो बड़े अरसे से चला आ रहा है माइनर वाला। हाँ लेकिन अगर वो कहता है यस मैंने पार्टनर बनना है तो अब हम फिर बैक डेट से देखेंगे उसके जिम्मे कब कब कौन कौन सी लायबिलिटी आनी थी जो उसने नहीं पे की थी। जी अगर सारे पार्टनर बेनिफिट्स लॉस से बचने के लिए माइनर को एडमिट करते हैं, फॉर एग्जांपल पांच पार्टनर हो, पांचों का 20-20% हिस्सा हो, पांचों अपने अपने बच्चे को ले आए, फिर लॉस कहाँ जाएगा? लॉस पार्टनर्स बेयर करेंगे, पार्टनर्स कौन है? यही लोग। अगर एक पार्टनर ने अपना पूरा हिस्सा दे दिया प्रॉफिट का तो पार्टनर नहीं रहेगा। पार्टनर होने के लिए प्रॉफिट का हिस्सेदार होना चाहिए, कम से कम 1% शेयर करेगा तो 1% के पांच पार्टनर होंगे और 95% बच्चों के वाले होगा। जब लॉस होगा हम कहेंगे बच्चे बच्चे साइड पे हो गए, बाकी कौन रह गए? ये पांच। तो ये इस मजाक से किसी को फायदा नहीं होना। जी जो लॉस वापस करेगा वो सारे पार्टनर्स को कलेक्टिवली वापस करेगा, यानी कि फर्म को वापस करेगा। फर्म अलग से इंसान तो नहीं है, इन्हीं सबको तो मिला के फर्म कह रहे हैं। हाँ अब कहने का मतलब ये है कि वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उन सब में, ये मजे का पॉइंट है। ये कहना ही चाह रहे हैं कि जब वो लॉस वापस करेगा तो क्या वो फर्म के एसेट्स में ऐड होगा या पार्टनर्स में डिवाइड होगा? वो पार्टनर्स में डिवाइड होगा क्योंकि पार्टनर्स ने पुराने जमाने में भरा था वो लॉस। तो बिल्कुल सही जी वो भाई। ठीक है जी। अब सवाल ये है कि अगर एक पार्टनर किसी ऐसे एक माइनर किसी ऐसे पार्टनर का हिस्सेदार है जो था ही प्रॉफिट्स का हिस्सेदार, तो मजे की बात है कि जब हम माइनर का स्टेटस बताते हैं तो लॉ डिफरेंट बताता है। लॉ ने खुद ही कह दिया कि माइनर शुरू में प्रॉफिट्स का हिस्सेदार है लेकिन आगे जाके वो लाइबिलिटीज का हिस्सेदार भी बन जाएगा। तो अब जिसने अपना हिस्सा दिया उसको भूल जाए, इसलिए मैंने कहा ना पुरानी बात भूल जाए, सबने मिलकर एक नए बंदे से कहा तुम आओ तुम्हारा इतना परसेंट शेयर है, जब तक तुम बड़े नहीं हो जाते, बड़े हो जाते हो तो शेयर उतना ही रहेगा लेकिन तुम पार्टनर भी बन जाओगे, और जब पार्टनर बन जाओगे तो हमारे साथ दुख सुख सब सहोगे और इवन वो पुराने दुख भी उस वक्त तुम्हें सहने पड़ेंगे अगर तुम डिसाइड करते हो कि तुमने पार्टनर बनना है। और अगर भागना चाहो तो ठीक है, जो तुमने बेनिफिट्स ले लिए हम तुमसे नहीं पूछेंगे। अगर माइनर अगर ऐसा पार्टनर बनना चाहता है जो प्रॉफिट का हिस्सेदार हो तो इसका मतलब है उसको पहले पार्टनरशिप में आगे पहले तो पिछले सारे अदा करने होंगे, उसके बाद फिर बैठ के कहेगा कि जी ये वाली पार्टनरशिप मुझे मजे की नहीं लग रही, मैं दूसरी तरह का पार्टनर बनना चाहता हूँ। तो हो सकता है वो कहे हम तुम्हें दूसरी तरह का पार्टनर नहीं बनाना चाहते, तो फिर अब देखा जाएगा कि 100% अगर मेंबर्स एग्री हैं तो फिर कोई और इसकी क्लोजिंग होगी। तो किसी ऐसे बंदे ने माइनर को बनाया पार्टनर जी, बिल्कुल यकीनन यही सवाल पीछे से आया था और इसी को मैंने रिपीट भी किया था। ये सवाल उससे पहले आया था जो उससे पीछे वाले भाई ने पूछा था, मुझे बंदा भी याद है वो वाले भाई ने यही सवाल पूछा था। अब आपने रिकॉर्डिंग देखनी है जी। माइनर ट्रांसफरी भी हो सकता है लेकिन अगर वो ट्रांसफरी है तो इस वाले पोर्शन की रूल अप्लाई नहीं करेंगे, ट्रांसफरी की रूल अप्लाई करेंगे। मतलब हो सकता है एक बंदा वैसे ही कहे कि यार इतने लंबे चौड़े खप में नहीं डलते, उसने कहा यार मेरा 10% का हिस्सा ना बच्चे को दे दो। जी माइनर जो है वो लॉस पे करेगा या नहीं पे करेगा ये किस पे डिपेंड करता है? वो पार्टनर बनना चाहेगा तो फिर लॉसेस कैसा भी उसे पड़ेगा, वो जितने परसेंट उसको प्रॉफिट हो रहा है उतना ही परसेंट लॉसेस का भी उसको हिस्सेदार बनना था अगर वो पार्टनर होता। जी गुडविल का क्या करेंगे? जिस वक्त एक बंदे ने हिस्सेदार बनाया उसको और सबने एग्री किया है तो उसी वक्त से एसेट्स में भी हिस्सेदार बन चुका है, सिर्फ एसेट उसको दिए नहीं गए, एसेट दिए जाएंगे बाद में, तो ये गुडविल का भी उतना ही फीसद हिस्सेदार है जितना फीसद वो बाकी एसेट्स का है और जितना फीसद उसको प्रॉफिट का हिस्सा मिला। जी
माइनर अगर पार्टनर बन जाता है, मैं सामने जरा स्क्रीन पे डिस्प्ले भी कर दूं ताकि अगर आप थोड़ा सा पढ़ना चाहें तो। जी अगर माइनर पार्टनर बनता है और बनने के बाद उसे पता लगता है कि मेरी फर्म तो इलीगल बिजनेस कर रही है और वो कहता है मैंने पार्टनर नहीं रहना, तुम लोग गलत लोग हो, तो हो सकता है वो अदालत में जाके कह दे ये गलत काम कर रहे हैं, वो बंद हो जाए, लेकिन जो लॉसेस उसने दे दिए वो दे दिए। इसीलिए मैंने कहा जिस वक्त वो पार्टनर बनेगा ना उस वक्त उसके सामने अकाउंट्स रखे जाएंगे, उसको मौका दिया जाएगा। 6 महीने क्यों है? 6 महीने तक उसने यही सोचना है ना कि मुझे पार्टनर बनने में फायदा है या नहीं है। फायदा हर तरह का सोचना है, गलत काम तो नहीं कर रहा है। वो बड़ा हो गया, उसको सीक्रेट बुक्स भी एक्सेस हो जाएगी कि हाँ भाई अब ये चीजें हैं, ये हम इस तरह से काम कर रहे थे। जी सर, अगर 3 पार्टनर हो और उनमें से सर एक माइनर हो, अगर 3 पार्टनर हो और उनमें से एक माइनर हो तो वो 2 पार्टनर है और एक माइनर है। पार्टनर बनना चाहता हूँ, ठीक है। जी बड़ा मजे का सवाल है। वो कहते हैं कि शुरू में पार्टनर ने कहा था तुम्हें पार्टनरशिप में ले आएंगे, तभी तो ये अरेंजमेंट हुआ। जब वो बड़ा हुआ उसने कहा मैं पार्टनर बनना चाहता हूँ, इन्होंने कहा हम नहीं चाहते तुम्हें पार्टनर बनाना। अब इस वक्त ये ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि ये वादा पहले का हुआ हुआ है, अब परफॉर्मेंस का टाइम आया है, अब वो पार्टनर बन जाएगा क्योंकि इसलिए हमने कहा था पहले सबसे पूछ लो, उस वक्त सबने एग्री किया था। अब वो बच्चा बड़ा होके हक रखता है कि वो डिसाइड करे उसने पार्टनर बनना है या नहीं, हम डिसाइड नहीं करेंगे। 2-3 सवाल आएंगे आपके इस तरह के, तो जिसमें हमने देखना है कि जी क्या मामला है। जी और देखिए अगर अब इसमें इंग्लिश दिखाने में टाइम ज्यादा लगे तो फिर कसूर आपका है, सवाल आप लोग पूछ रहे हैं। जी माइनर अगर जी माइनर अगर अभी मेजर नहीं हुआ, हो गया माइनर, अगर मेजर हो गया और वो पार्टनरशिप नहीं करना चाहता तो वो एक नोटिस दे देगा मैं नहीं करना चाहता। जिस दिन नोटिस देगा उस दिन तक उसका क्या स्टेटस है? बेनिफिट्स वाला, एसेट्स भी लेके जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह, अपना हिस्सा लेके निकल लेगा, तो सारे उसे चपेटे कराएंगे। एक भाई ने कहा अगर वो दोबारा वापस आना चाहे, भाईजान अगर वो इतना पक्का हो गया उसने फैसला किया कि मैं नहीं आना, अब जब आएगा ना तो वो कहेंगे बेटा अब शेयर भी बड़े मुश्किल हो गया है, आप पैसे भी 25 लाख लेके आओ, अब ऐसा करो वैसा करो तब तुम्हें पार्टनर बनाएंगे उसको, नहीं पुराने लॉस तो नहीं। यानी वही बात है, वो लोग अब सियाने हो गए हैं, वो पुराने लॉस का सारा हिसाब किताब रख के ना उस पर प्रीमियम रख के और उसे कहेंगे कि जी अब आप जो है इतने पैसे दोगे तो आओगे, क्योंकि ये जहन में रहे कि ये मजाक थोड़ी हो रहा है, हम तो बड़े मजे से मिनट मिनट में पार्टनर बदल देते हैं, हिस्सा बदल देते हैं, तो ये मतलब बड़ा डिटेल्ड रूल्स हैं, बड़ा ज्यादा गहरे। सामने कुछ लिखा हुआ है, माइनर कैन नॉट एंटर इनटू पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्योंकि वो माइनर है, लेकिन विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, भाईजान ये बहुत जरूरी है, ऑल द पार्टनर्स फॉर द टाइम बीइंग, जो उस वक्त जितने भी पार्टनर्स हैं उनके कहने पे माइनर मे बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। माइनर की पोजीशन मेजॉरिटी से पहले क्या है, उसके राइट्स क्या है, वो जो पार्टनर्स के साथ एग्री हुआ है उस हिसाब से प्रॉफिट में और एसेट में उसका हिस्सा है, हिस्सा है, ले नहीं रहा, हिस्सा है। अकाउंट्स देख सकता है सामने सामने के, लेकिन जो डिटेल सीक्रेट बुक्स हैं किसके साथ क्या अरेंजमेंट किया, किसको कितना परसेंट चार्ज किया, किसको कितना कमीशन दिया, कुछ ऐसी बातें जो छोटे बच्चों को नहीं समझ आती बिजनेस के अंदर, कई ऐसी बातें जो सामने सामने के अकाउंट्स तो सिंपल होते हैं, जो पीछे आपकी कैलकुलेशंस होती हैं, प्रोविजंस होती हैं, वो नॉर्मली अच्छा नहीं है कि वो छोटे बच्चे के सामने रखें, वो कहे कि जी आपने प्रोविजन की जो एंट्री पास की है ये डेबिट क्रेडिट नहीं समझ आया, उसे कहेंगे भाई जान ये तो आज तक हमारे अकाउंटिंग के बच्चों को FR1 वाले बच्चों को अभी तक नहीं समझ आया, तो ये आप तो फिर छोटे बच्चे हैं। तो वो इतना ज्यादा ओवर नहीं हो सकता, सामने सामने अकाउंट देखना चाहे देख सकते हैं। लाइबिलिटी क्या है, ये पर्सनली लाइबल नहीं है, इसकी लिमिटेड लाइबिलिटी है, ज्यादा से ज्यादा कितना लाइबल है अपने हिस्से तक, ज्यादा से ज्यादा हिज शेयर इज लायबल। अच्छा इसका मतलब पता है क्या है, फर्ज करें इसका हिस्सा था 10% ऑफ प्रॉफिट, 10% ऑफ प्रॉफिट इसे मिलना था, हमने हिसाब लगाया साल खत्म होने में 2 दिन रहते थे, इसको 10% हिस्सा बन रहा था 1 लाख, एक नुकसान हो गया ऐसा जो कि 17 लाख का था, इसके जिम्मे काउंट करें तो आता था 2.5 लाख, ये कितना देगा 1 लाख, यानी कि कुछ भी नहीं देगा, इसको प्रॉफिट उस दफा का नहीं मिल सकेगा। तो ये इतना तो इसका जाता रहेगा, इसका जितना जितना शेयर है ना वहां तक तो ये लायबल है। हाँ वो जो ऊपर 2.5 और 1 का डिफरेंस था जो इसके जिम्मे नहीं पड़ा, वो कब पड़ेगा, अगर वो बड़ा होके कहे कि मैंने पार्टनर बनना है।
बेनिफिट का हिस्सेदार है ना, यानी कि लॉस का हिस्सेदार नहीं है। जिस साल प्रॉफिट हुआ है उस साल वो हिस्सेदार रहा, जिस साल लॉस हुआ हमने उसको हिस्सेदारी से साइड पे कर दिया। कहने का मतलब है भाई, भाई जब हुआ ही लॉस है तो प्रॉफिट का शेयर कैसे निकाले? तो माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब माइनस में आएगा। हम इसको माइनस में हिस्सेदार नहीं करेंगे, इसे कहेंगे जी इस दफा लॉस हुआ है, तुम तो फायदे में हो, तुम्हें कौन सा लॉस शेयर करना है। ठीक है, बिल्कुल सही है। फर्म को क्या फायदा, क्योंकि जिस बंदे ने इसको अपने बच्चे को एंटर करना चाहा था शायद वही 80% का पार्टनर है। तो नॉर्मली कोई बड़ा पार्टनर, या कभी कभी क्या करते हैं, एक बंदे की डेथ हो गई तो उसके पैसे ना बाहर देने पड़ जाए एसेट के, उसकी बेवा से ये अरेंजमेंट कर लेते हैं कि जी तुम अपने बच्चे को हमारे साथ पार्टनर बना दो, हम उसको ट्रांसफर करते रहेंगे, बड़ा होके अगर वो चाहेगा तो पार्टनर भी बन जाएगा। तो नॉर्मली ये एक बंदे की डेथ के केस में इस तरह का अरेंजमेंट होता है नॉर्मली, लेकिन जीते जी भी हो सकता है। डिसेबिलिटी, एक दफा थोड़ी सी अंग्रेजी भी देख लें ताकि, नो स्टेटस ऑफ अ पार्टनर, भाई जन ये पार्टनर नहीं है, ये पार्टनर्स पे केस नहीं कर सकता प्रॉफिट्स के लिए या एसेट्स के लिए एक्सेप्ट आफ्टर डिस्कनेक्टिंग हिज रिलेशन विद द फर्म। वही वाली बात, ट्रांसफरी वाली। नॉट एंटाइटल्ड टू हैव एक्सेस टू द बुक्स अदर देन अकाउंट्स, वो जो अकाउंट्स की मेन किताबें हैं उसके अलावा इसको किसी बुक की एक्सेस नहीं है। ये पोजिशन ऑफ माइनर है बिफोर अटेनिंग मेजोरिटी, आफ्टर मेजोरिटी क्या होगा, एक दफा इसकी भी इंग्लिश देख लें ताकि ऐसा ना हो कि एक दो सवालों के चक्कर में वो इंग्लिश रह जाए, जिसके बाद आप कहें सर हमने इंग्लिश पढ़ी होती तो पता नहीं क्या होता। 50 मिनट पढ़ते हैं घर जाके, चलो अल्लाह खैर करे, बुक्स ही नहीं मिली, होए होए ये खतरनाक मामला। पोजीशन ऑफ अ माइनर ऑन अटेनिंग मेजोरिटी, ऑन अटेनिंग मेजोरिटी, अब ध्यान से सुनना है, सारी बातें हुई हुई और 25 दफा हुई है, इतने सारे सवाल आए। On attaining majority, the minor partner has to decide within 6 months whether he shall continue in the firm or leave it. ये 6 months कब होते हैं? Later of his attaining majority, जब वो 18 साल का हो गया, वहां से शुरू हो जाएंगे, या अगर उसे बाद में पता लगा, when he first comes to know that he has been admitted to benefit of, तो इनमें से जो टाइम बाद में आए, उसको पहले से पता था, अभी 18 साल का जिंदा, 18 साल होते ही 6 महीने का काउंटर चल पड़ेगा। वो 18 साल का हो गया, उसे पता नहीं था, जिस दिन उसे पता लगा वहां से 6 महीने का, ही शुड गिव अ पब्लिक नोटिस, पब्लिक नोटिस अखबारी इश्तिहार देगा अपनी चॉइस का कि वो पार्टनर बनना चाहता है या नहीं। अगर वो पब्लिक नोटिस नहीं देता तो ही इज डीम्ड टू हैव बिकम अ पार्टनर, ये समझा जाएगा डीम, ये समझा जाएगा, नहीं दुनिया को बताना जरूरी होगा ताकि कंफ्यूजन ना हो, लोग इसको ऑफिशियली पार्टनर कंसिडर कर ले। ऑब्वियसली जब आया है तो उसके साथ पे लिखत पढ़ो तो की बकायदा कागजी कार्रवाई होगी कि हाँ भाई अब मैं ऑफिशियली पार्टनरशिप में एंटर हो चुका हूँ। द बर्डन ऑफ प्रूविंग द फैक्ट दैट सच माइनर हैड नो नॉलेज ऑफ सच एडमिशन अंटिल अ पर्टिकुलर डेट शैल लाई ऑन सच माइनर, अगर वो अचानक से 21 साल का होके आए और कहे मुझे आज पता लगा कि मैं बेनिफिट्स में ऐड था, तो उसी को साबित करना पड़ेगा कि उसको आज पता लगा है, वरना हम तो अजम्पशन ले रहे हैं कि 18 साल पे वो नोटिस दे देगा और बता देगा। अगर ये बंदा कहता है मैंने पार्टनर बनना है, he hold personally liable since the date of admission to the benefits of the firm, कहता है मैंने पार्टनर बनना है, तो वो बचपन वाली डेट से ही उसको liabilities का भी हिस्सेदार अब हम काउंट कर लेंगे। he hold same share in profit and property of the firm to which he was entitled as, जितना हिस्सा हमने इसका तय किया था वही हिस्सा उतने हिस्से का ये बन जाएगा पार्टनर। where such person elect not to become partner, ये कहता है सॉरी मैंने पार्टनर नहीं बनना। स्टेटस ऑफ माइनर होल्ड्स अप टू द डेट ऑफ पब्लिक नोटिस, ये वो जुमला जो मैंने कम से कम 6 बार रिपीट की है, सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ कि किताब में जो बात लिखी हुई है वो किस तरह से है। हिज शेयर इज नॉट लाइबल फॉर एनी एक्ट ऑफ द फर्म आफ्टर द डेट ऑफ पब्लिक नोटिस, किताब होगा इसको इसके हवाले एसेट्स कर दिए जाएंगे। He has right to sue partners for share of property and profit. अब ये केस कर सकता है कि हाँ भाई मेरा प्रॉफिट का और मेरे एसेट्स का हिस्सा कहाँ है, क्योंकि अभी बड़ा है और ये इस तरह से कर सकता है। तो ये बेसिकली आप अभी नहीं, अभी आपको मैप समझ आया है, घर जाके एक दफा खामोशी से धीमे मिजाज से दोबारा पढ़ेंगे, मेरे लेक्चर की बातें भी याद आएंगी, जब उसे देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट और डेवलप होगा, फिर मजा आएगा जब अगले दिन इसके ऊपर सवाल जवाब होंगे तो वो जरा ज्यादा पुख्ता सवाल होंगे, क्योंकि अभी आप एक एक सवाल 3-3 दफा पूछ रहे हैं, जब घर जाके इजी होके इसे पढ़ेंगे देखेंगे
तो फिर उसके बाद कल इंशाल्लाह ताला इस पर सवाल जवाब मजीद करते हैं, ठीक है जी। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं ब्रेक के बाद। पढ़ के लाजमी आना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इस एरिया से सवाल आता है सबसे ज्यादा।